हेलो बच्चों, तो आज हम फिजिक्स इको टेस्ट सीरीज के पेपर 3, जिसमें टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशनल मोशन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m एंड रेडाई r एंड 2r रेस्पेक्टिवली आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू 12r। If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body just before collision is। देखो इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है आपको गिवन है ना, रेडियस गिवन है, सेपरेशन जो है दोनों के सेंटर के बीच का वो भी गिवन है। अब दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, है ना। तो अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम कंसिडर करूं तो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है क्या? नहीं है। एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो बेटा सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास जो होता है ना उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होता है ना। नेट फोर्स या जो सिस्टम पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना वो नेट मास ऑफ सिस्टम इनटू एसीएम होता है। एंड इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन एसीएम इज जीरो। तो सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन जीरो है ना बेटा तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन है वो एक्सेलरेशन होता है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है दैट मींस वेलोसिटी शुड बी कॉन्स्टेंट, VCM is constant। अब एक चीज देखो, initially आपने सिस्टम को रिलीज किया था तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी initially वो कितनी थी? जीरो थी ना, तो वो हमेशा जीरो ही रहेगी फिर तो। और अगर VCM जीरो है that means XCM या सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है ना वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी यहां पे सेंटर ऑफ मास की क्या है? जीरो है, और वो जीरो ही रहनी है, वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब XCM या आप कह सकते हो RCM, ठीक है, सिंपली वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा बेटा, मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है ना वो चेंज नहीं होने वाला है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा, और ये कॉन्सेप्ट कई सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर आएगा, तो ये चीज का आप ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m एंड रेडाई r एंड 2r रेस्पेक्टिवली आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू 12r। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, देयर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर कॉलिजन इज, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज कर दिया और ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में दोनों मूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा क्योंकि VCM जीरो था। ठीक है, ACM तो जीरो ही रहेगा, VCM जीरो था तो XCM क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा बेटा। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, और जो स्मॉलर बॉडी है ना वो कितना चलेगा कॉलिजन से पहले वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। चलिए यहाँ डायग्राम बना लूँ मैं। इस ऑब्जेक्ट का मास है m, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है बेटा 5m। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो है 2r, इस वाले की रेडियस है आर। ठीक है, और सेंटर्स के बीच में जो सेपरेशन है ना वो आपके पास है बेटा 12r, ये सेपरेशन गिवन है। ठीक है, चलिए देखें, जैसे ही आप इन दोनों को रिलीज करोगे ना ये मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, ये इधर आएगा, ये वाला इस तरफ आएगा। अब जो स्मॉलर बॉडी है ना वो सपोज एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। अच्छा, इसकी डिस्टेंस रेडियस जो है वो आर है, इस वाले की 2r है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी दोनों सेंटर के बीच की? 3r ना, इस वाले का मास m, ये है 5m। तो इस वाली लाइन को है ना x बराबर 0 पे कंसीडर कर लो, है ना, x कोऑर्डिनेट कितना इस लाइन का? 0 है। तो इनिशियली अगर मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करूँ यहाँ पर XCM, XCM कितना आएगा? देखो m इंटू 0, x कोऑर्डिनेट इसका 0 है तो 0 हो गया, प्लस 5m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 12r ना, इसके सेंटर की डिस्टेंस वहां से कितनी है? 12r है, तो 12r आ गया। अब बाय m1 प्लस m2 मतलब 6m हो गया। अच्छा, इस वाले केस में अगर फाइंड आउट करें तो XCM इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो m, ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट इसका x है ना, और XCM में फाइंड आउट करना है तो mx प्लस 5m का कितना आएगा? 5m, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x प्लस 3r। ठीक है, डिस्टेंस वहां से लेंगे अपन तो x प्लस 3r, और टोटल मास 6m। दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, दोनों इक्वल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 60mr, और डिवाइड में कितना आ गया? 6m इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए mx प्लस, ये आ गया बेटा 5mx प्लस, ये आ जाएगा 15mr, करेक्ट, और डिवाइड में कितना आया? 6m, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इसमें m m m m कैंसिल आउट हो गया देखो, और ये 15r है और ये 60r है, तो 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 45r। इस तरफ कितना आएगा? x प्लस 5x कितना आया? 6x, और इससे डिवाइड करो जरा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा हमारे पास 15, ये आ जाएगा
टू एक्स इक्वल्स टू 7.5 मीटर। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था बेटा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना अभी, ये कई सारे न्यूमेरिकल्स में लगेगा बेटा, ये चीज का ध्यान रखना आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्लेस्ड अराउंड द ओरिजिन ईच एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द ओरिजिन। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द ओरिजिन इज, मतलब कई सारे पार्टिकल्स हैं आपके पास, ठीक है, और मासेस गिवन नहीं हमें, लेकिन ये कह रखा है कि जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है। मतलब हो सकता है एक पार्टिकल यहाँ पे हो, एक पार्टिकल यहाँ पे हो, ठीक है, डिस्टेंस आर ही रहेगी बेटा। हो सकता है सारे, मतलब इस ये जो आर रेडियस का या आर डिस्टेंस का जो सर्कल है ना, उस पर प्रेजेंट हो सकते हैं ये, ठीक है। एंड इवन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आर रेडियस के सर्कल पे प्रेजेंट हो, स्फीयर पे प्रेजेंट होंगे 3D की अगर अपन बात करें, लेकिन ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहेगी, कैपिटल आर ही रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है या जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से, वो कितनी होनी चाहिए। देखो जीरो हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स अगर सपोज सेम आइडेंटिकल अगर मैं अज्यूम कर लूँ और सब के सब अगर इक्वी डिस्टेंस पर हों, जैसे रिंग होती है ना, रिंग की तरह अगर अपन अज्यूम करें, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाएगा, ओरिजिन पर आ जाएगा ना। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है पूरी। लेकिन अगर मान लीजिए सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट हो, सपोज यहाँ पे हैं, इसी पोजिशन पर ही सारे के सारे पार्टिकल्स अगर रख दें अपन, सारे के सारे पार्टिकल्स अगर यहीं रख दें, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फिर कितनी आएगी, कैपिटल आर आएगी ना, है ना, क्योंकि वो मैक्सिमम सेपरेशन भी होगा एंड इवन सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे फिर उस केस में। तो मैक्सिमम जो है सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो कितनी हो सकती है, कैपिटल आर हो सकती है बेटा, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इधर तो जाएगा नहीं। अगर पार्टिकल जाएगा तो वो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है ना, फिर वो जो है इस पार्टिकल से, इस पॉइंट से अंदर की तरफ आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, क्लियर। तो मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कैपिटल आर। सो दैट्स मीन कि जो सेंटर ऑफ मास जो है बेटा, उसकी जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के इक्वल या उससे लेस हो सकती है ओरिजिन, ओरिजिन से बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज मेड टू स्टैंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड इन दिस पोजीशन इज, वर्टिकल रॉड को ऐसे रखा हुआ देखो, ठीक है, कुछ ना दे रखा हो तो हम ग्राउंड से ही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बेटा, रेफरेंस जो है वो ग्राउंड को ही कंसीडर करते हैं। वर्टिकल से एंगल कितना है, 60 है, इसका मास कितना m है, लेंथ कितनी है इसकी l है। देखो कोई भी रिजिड बॉडी होती है ना, ठीक है, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये ध्यान रखना जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा हम सेंटर ऑफ मास के मास से फाइंड आउट करते हैं बेटा, ठीक है। सारा का सारा मास कहाँ पर कंसंट्रेट कर लेते हैं अपन, सेंटर ऑफ मास पर, और उसके अकॉर्डिंग अपन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो ये रॉड जो आपको नजर आ रही है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा मिड में, अच्छा ये वाले डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू होगी डेफिनेटली। तो बेटा एल बाई टू के अकॉर्डिंग इसकी जो वर्टिकल हाइट है ग्राउंड से, वो कितनी होनी चाहिए फिर, ये एल बाई टू है, ये कितना आ गया 60 ना, ये भी सेम है 60, तो L by 2 का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, L by 2 cos 60, करेक्ट, cos 60 आप जानते हो 1 by 2 होता, तो L by 4 आ गया ना। सेंटर मास यहाँ पे बैठा, तो कैपिटल M, सॉरी स्मॉल M है मास, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी यही तो आएगी, तो mg into h क्या रखोगे, L by 4, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई रोड mg L by 4, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया फोर्थ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए मैन ऑफ मास 50 kg is standing in a gravity-free space at a height 10 meter above the floor, ठीक है, मतलब gravity-free space है, एक floor ले लिया हमने, और यहाँ से बेटा ये जो man है, इस man को मैं एक sphere बना देता हूँ, ठीक है, और इसका mass है 50 kg, और gravity-free space है, कोई force नहीं लग रहा, ठीक है, और इसकी जो height है ना man की, वो कितनी given अपन को, 10 meter given है बेटा। He throws a stone 0.5 kg mass downward with a speed of 2 meter per second. ठीक है, तो इसने क्या किया, एक छोटा पत्थर था, ठीक है, इसका मास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.5 kg, ठीक है, इसको इसने 2 meter per second की स्पीड से डाउनवर्ड थ्रो किया। तो ये रिलेटिव टू मैन है, नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा यहाँ पर, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, फ्लोर के रेस्पेक्ट में, तो इसकी जो स्पीड है ना वो 2 meter per second है बेटा। तो 2 मीटर पर सेकंड से आपने नीचे की तरफ थ्रो कर दिया इसको। अच्छा, इनिशियली जो स्टोन था उसके पास था, ठीक है, तो ये देखो जरा आप, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, नेट फोर्स इज जीरो, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, इस सिस्टम का मतलब दोनों को इंक्लूड कर लो आप। तो इसका मास गिवन है, तो इसको मोमेंटम दे दिया इसने, तो नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए, इसका मतलब इस 50 केजी वाले मास, मास के जो भी पर्सन है, इसके पास स्पीड डेफिनेटली बेटा अपवर्ड आ जाएगी फिर, ताकि नेट मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था,
और फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो 15 इंटू वी अपवर्ड और इसके लिए 0.5 केजी इंटू 2 डाउनवर्ड, मतलब माइनस में आ जाएगा वो 0.5 इंटू 2, तो ये तो 1 हो गया, ये इधर चला जाएगा पॉजिटिव। देन वी इक्वल्स टू कितना है बेटा, 1/50 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैन की जो स्पीड है ना वो आ चुकी है हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor will be, ये कह रहा है कि जो stone है ना जब ground पे पहुंचेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो उस केस में मैन जो है ना वो ground से या जो floor है वो floor से कितना ऊपर चला जाएगा, यही पूछा है। तो इस पत्थर को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा ग्रेविटी तो है नहीं यहाँ पर, तो ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आएगा, है ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आएगा। तो इसको यहाँ पे यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम कितना लगेगा, टी इक्वल्स टू सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, स्पीड कितना है 2, तो 10/2 कितना आ गया 5 सेकेंड। तो इस वाले को पत्थर को यहां तक आने में 5 सेकंड का टाइम लगा, उस सेम 5 सेकंड में ये कितना चल चुका होगा, तो ये जो डिस्टेंस चलेगा वो मान लीजिए एस है, एंड एस इक्वल्स टू वी इंटू टी ना, सो एस इज इक्वल टू वी, वी है बेटा 1/50 और टाइम कितना लगा 5, तो कितना आया 0.1 मीटर आ गया। मतलब जब ये पत्थर यहां तक पहुंचेगा ना तो ये 0.1 मीटर और शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हो गई 10+0.1, मतलब 10.1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ 2 kg एंड 4 kg आर मूविंग विद वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। देखो, म्यूचुअली मूव कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इनिशियली आपने उनको रिलीज किया राइट, अच्छा सॉरी रिलीज का नहीं दे रखा इसने, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को वेलोसिटी दे रखी है, हाँ ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो इंटरनल फोर्स होगा, नेट फोर्स इज जीरो, देन एसीएम इज जीरो, सेंटर मास का एक्सेलरेशन कंफर्म है जीरो है, वीसीएम रहेगा कांस्टेंट, और अगर आपने इनिशियली उनको जीरो वेलोसिटी दी है तो वीसीएम हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन इसने यहां पर वेलोसिटी दे रखी है ऑलरेडी, तो देख लेते हैं फिर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना होगा, वीसीएम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला लगाते ना बेटा। अब m1 की बात करें तो वो है 2 kg और वेलोसिटी है 20, ठीक है, m2 की बात करें वो कितना 4 kg, लेकिन वेलोसिटी उसके जस्ट अपोजिट है बेटा, कितना है 10 है ना, तो माइनस करेंगे अपन क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास कितना है 4 × 10 अपॉन में m1 प्लस m2 2+4 6, ये देखो ये भी 40 आ गया, ये भी 40 आ गया, 40 − 40 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 0, करेक्ट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A system consists of 3 particles, each of mass m located at point 1, 1, 2, 2, 3, 3. The coordinates of center of mass are, very simple question. तो axiom अगर आपको find out करना है ना, और सभी का mass same है ना, तो m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon में m1 plus m2 plus m3 ना, तो m1 plus m2 plus m3 वो तो 3m हो जाएगा, और ऊपर mx1 plus mx2 plus mx3 mass same है ना, तो m से m cancel out हो जाएगा, तो axiom कितना आएगा बेटा, x1 plus x2 plus x3 by 3, simple, mass same है ना, तो m कट जाएगा। अब x1 देखो इसमें कितना है, देखो 1, x2 कितना है 2, x3 कितना है 3 है ना, तो ये value कितनी आ जाएगी बताओ, 1 plus 2 plus 3 by 3, ठीक है, ये कितना आ गया 3 plus 2 plus 1, कितना है 6, 6 by 3 कितना है 2, तो ये देखो xcm 2 आ गया। Same ycm निकालना है तो वही same approach, y1 plus y2 plus y3 by 3, तो वैल्यू भी सेम ही, देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसका मतलब YCM भी कितना आएगा 2 ही आएगा, है ना, आंसर इज 4, 2, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है ध्यान से सुनना, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम टी व्हेन दे आर एट डिस्टेंस आर अपार्ट इज, समझ गए क्वेश्चन को, इनिशियली रेस्ट में थे और ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस मूव करेंगे, दैट मींस एसीएम इज जीरो, वीसीएम इज कांस्टेंट, इनिशियल वीसीएम कितना था जीरो था, तो बाद में भी जीरो ही रहेगा वो, आंसर इज जीरो, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 8 पे चलो बेटा। 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, 300 ग्राम एट ओरिजन, 500 ग्राम एट एक्स इक्वल टू 40 cm एंड 400 ग्राम एट एक्स इक्वल टू 70 cm, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजन इज, वेरी सिंपल, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया बेटा, xcm इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय 3 ना, तो m1 कितना बेटा 300 और वो ओरिजिन पर है तो 0 हो गया इनटू मल्टीप्लाई में, ठीक है। नेक्स्ट है 500, x कोऑर्डिनेट कितना है दूसरे वाले का 40, थर्ड पार्टिकल देखो कितना है मास 400, x कोऑर्डिनेट कितना है 70, ठीक है, अपॉन में नेट मास देखो कितना आया 300 प्लस 500 ये आ गया 800, 800 प्लस 400 कितना आ गया बेटा 1200, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट तो हो गया जीरो, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 20,000, ठीक है, या जीरो जीरो कट कर लो बेटर रहेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे हमारे पास, देखो ये आ गया 20, ठीक है, सॉरी 200 प्लस 280 बाय 12, है ना। तो ये वैल्यू आ गई 480 बाय 12, 40 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू पर्सन्स ऑफ मासेस 55 केजी एंड 65 केजी रेस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ ए बोट। द लेंथ ऑफ द बोट इज 3.0 मीटर एंड द वेट्स गिवन है 100 केजी। अच्छा, वेट जो है बोट का वो 100 केजी गिवन है। 55 केजी मैन वॉक्स अप टू द 65 केजी मैन एंड सिट्स विद हिम। ओके, इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट्स बाय। देखो बेटा, ये जो बोट है ना, ये वोटर है। जब तक ना गिवन हो ना, तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि वोटर जो है ना, इस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगाएगा। इस बोट पर ही दो बंदे हैं, ठीक है, इसका मास m1 है, इस वाले का मास m2 है, और इस बोट का मास m3 अज्यूम कर लिया, है ना। ध्यान से समझना, अब आप ये कह रहे हैं कि ये बोट जो है इस पानी में है, और पानी कोई रेजिस्टिव फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा इस पे, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है इस तरफ, तो एसीएम जीरो होगा इस सिस्टम का। इस सिस्टम के अंदर ये तीनों के तीनों है, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो जीरो है। एसीएम जीरो मतलब वीसीएम कॉन्स्टेंट। अच्छा, वीसीएम इनिशियल जीरो था ना, क्योंकि ये शुरुआत में जो थे रेस्ट में थे, तो VCM इनिशियली जीरो था, तो बाद में भी VCM जीरो रहेगा, और VCM जब बाद में भी जीरो रहेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो X कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होने वाला, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला। तो सेंटर ऑफ मास क्यों शिफ्ट होगा, अगर ये मैन चलेंगे भी ना इसमें आपस में, तो ये अगर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो सिस्टम के अंदर ये तो इंटरनल पार्ट हुआ, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, राइट। लेकिन सिस्टम पर कोई बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा बेटा, इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का, इफ द बॉडी इज स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट्स बाय। क्या आंसर आएगा, जीरो। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये, दिखते ही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज स्विंगिंग फ्रीली अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड्स, ठीक है। इट्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, ओके। इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ। देखिए बेटा, ये रॉड है एक, है ना, और इस रॉड को यूं रिलीज कर दिया जो भी है, तो ये रॉड यूं ऑसिलेट हो रही है, स्विंग कर रही है, ठीक है। और हमको ये दे रखा है कि इसकी जो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है ना रॉड की, वो ओमेगा है, और लेंथ कितनी रॉड की, एल है, ठीक है। तो यूं हो सकता है ये यूं इस प्रकार से स्विंग कर रही हो, मैक्सिमम डेफिनेटली यही होगी, क्योंकि यहाँ पर इस वाली पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ से ये हिंज है, तो ये यहाँ पर एंगुलर स्पीड आपको ओमेगा गिवन है, तो मान लीजिए कि ये मैक्सिमम जो हाइट है ना, ये पूछा ना, इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस टू ए मैक्सिमम हाइट, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है अभी, अब यहाँ पहुँच गया देखो, तो सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट राइज हुआ है, वो हाइट अपन से पूछी है, लेट कर लीजिए हाइट कितनी है, h है, ठीक है। तो इसको बहुत इजीली आप कर सकते हो, तो यहाँ तक जो जाएगा, तो यहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। तो अब इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर बेटा रॉड की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूँ, तो देखो यहाँ पर मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ एल बाई टू आएगी ना, तो इस रॉड की इस रेफरेंस लाइन से सेंटर मास नीचे है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस का एम जी एल बाई टू, रेफरेंस लाइन से नीचे है बेटा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रॉड के लिए, हाफ आई, आई कितना होगा बेटा, एम एल स्क्वायर बाय 12, सॉरी 3, है ना, एम एल स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और जब यहाँ पहुंचा तो ओमेगा तो जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आ गई बेटा। और सेंटर मास की बात करें, सेंटर मास यहाँ पहुंच गया, तो सेंटर मास की यहाँ से हाइट कितनी आएगी, एल बाई टू, तो ये डिस्टेंस ये एच है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, एल बाई टू माइनस एच ना, तो माइनस, अभी भी माइनस क्यों लगाया मैंने, अभी भी माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सेंटर मास अभी भी बेटा इस रेफरेंस लाइन से नीचे है। तो यहाँ से देखो माइनस का एम जी एल बाई टू, इधर भी माइनस का एम जी एल बाई टू, ये कट जाएगा इससे, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एम जी एच आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ये वैल्यू आ गई एम एल स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर बाय 2 × 3, मतलब 6 आ गए तो, और ये वाली वैल्यू कितनी आई, एम जी एच, एम से एम कैंसिल आउट हो गया और हमसे एच पूछा था, तो एच कितना आ गया बेटा, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 6g, है ना, ये हाइट आ गई सेंट्रो मास की, ठीक है। सेंट्रो मास कितना राइज हुआ वो पूछा था, वो हमने हाइट फाइंड आउट कर ली बेटा, तो इसका अंदर आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो। Consider a system of two particles having masses m1 and m2. If the particles of mass m1 is pushed towards the center of mass of particles through a distance d, by what distance would be the particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of particle at the original position? ठीक है? तो मतलब initially separation जो भी होगा, m1 को आपने m2 की तरफ shift किया, तो m2 को कितना shift करना पड़ेगा जिससे कि center of mass जो है system का change नहीं, ठीक है? चलिए देखो इधर जरा। ये कह रहा है कि एक तो M1 था, एक M2, ठीक है, और इनके बीच में कुछ भी सेपरेशन है, फिर क्या किया आपने, M1 को इस तरफ शिफ्ट किया d डिस्टेंस, राइट, फिर M2 को भी इधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो ये पूछ रहा है अपन से कि M2 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरफ, ये डिस्टेंस पूछिए बेटा, ये डिस्टेंस आप L मान लीजिए, है ना, ये डिस्टेंस आप L मान लीजिए, सेंट्रो मास सिस्टम का चेंज नहीं होगा, सेंट्रो मास वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एक चीज देखो, अभी अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे ये ओरिजिन है, तो सेंट्रो मास, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस है r, तो सेंट्रो मास बताइए इस सिस्टम का कितना आएगा, m1 into 0 m2 into r अपॉन में m1 plus m2, सेंट्रो मास कितने पे आएगा, देखो m2 into r अपॉन में m1 plus m2 आ गया। अब बताओ, अब वाली कंडीशन बताओ, m1 into d, ठीक है, और इस वाले का कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी बताओ, ये तो r है ना पूरा कंप्लीट, ये l शिफ्ट कर दिया तो ये r माइनस l आ गया ना, तो इस m2 का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, देखो m2 into r माइनस l, हमको l फाइंड आउट करना है बेटा, और अपॉन में कितना आ गया, m1 प्लस m2 आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये देखो m2r इस वाले m2r से कट जाएगा ना, तो इधर की तरफ जीरो बचा फिर, तो m1d माइनस m2l, तो यहां से l बराबर कितना आ गया, m1d बाय m2, है ना, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If linear density of a rod of length 3 meter varies as lambda equals to 2 plus x, then the position of the center of gravity of the rod is. देखो center of gravity की बात करें तो यहाँ पर center of mass के बारे में ही पूछ रहा है अपन से, ठीक है? Okay, तो जहाँ पर gravity same होती है ना, तो उस condition में center of mass और center of gravity एक ही point पे बेटा lie करते हैं। तो यहाँ पर हमको ultimately center of mass ही find करना है rod का, ठीक है? तो ये rod given है अपन को, इसको origin consider कर लिया। अब जो मास पर यूनिट लेंथ है ना, जो इसकी डेंसिटी है वो 2 प्लस एक्स है लैम्डा, तो यहां पर मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया, सबसे पहले इस एलिमेंट का मास है बेटा dm, इस एलिमेंट की इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी x है, और x के कॉरस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो dx आ गई बेटा, तो सेंट्रो मास का जो x कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, यही तो अप्रोच लगाते हैं बेटा, ठीक है। अब x तो रख दिया मैंने, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया, dm जो है इस एलिमेंट का मास है, देखो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा आपको गिवन है, व्हिच इज 2 प्लस x, ठीक है, यूनिट लेंथ का मास है वो, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा dx, है ना, तो dm की जो वैल्यू है एक्चुअल में किसके बराबर है, लैम्डा इनटू dx के इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू 2 प्लस x है बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू रख दो 2 प्लस x, ठीक है, इनटू dx आ गया, ये वैल्यू आ गई, और डिवाइड में भी देखो dm की वैल्यू अगेन लैम्डा dx, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x इनटू dx, करेक्ट। अब हमें लिमिट लगानी है, तो रॉड की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, ध्यान रखना, तो x की लोअर लिमिट आ जाएगी 0 और अपर लिमिट कितनी आएगी बेटा 3 मीटर, है ना, 0 टू 3 तक चलेगा इंटीग्रेशन, तो लिमिट लगा दो 0 टू 3 और यहां पर भी 0 टू 3, ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो बेटा, अब इंटीग्रेट करें इसको, तो ऊपर वाले पार्ट में देखो कितना आएगा, ये 2x है ना, तो 2x का कितना आ गया 2x² / 2, ठीक है, प्लस फिर है x² तो ये आ गया x³ by 3, लिमिट लगा देंगे अपन 0 टू 3, डिवाइड में कितना है देखो 2 plus x है तो 2x plus x² by 2 आ गया, अगेन 0 टू 3, ठीक है, अब इसमें लिमिट रख दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है, फिर ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये भी 9 आ जाएगा, है ना, और लोअर लिमिट में 0 तो ये 9 plus 9 रहेगा, यहां पर रख दो 3 into 2 6 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर ये 9 by 2 आ जाएगा, राइट, ये कितना आया, ये आ गया 18, ये आ जाएगा हमारे पास
बारह, बारह और नौ कितना हो गया, 21 हो गया ना। हाँ तो ये कट कर दो भैया इसको, 7 3 × 6, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास 12/7, आंसर इज 12/7 मीटर, राइट। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। फोर बॉडीज ऑफ इक्वल मास स्टार्ट मूविंग विद सेम स्पीड एज शोन द फिगर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट ओरिजिन, ओरिजिन पे रखना है सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। अब देखो आप जरा, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सी एंड डी, ठीक है। तो सी इस तरफ मूव कर रहा है और डी, डी है इस तरफ, दोनों इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों इस डायरेक्शन मूव करेंगे थोड़ी देर बाद में यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ऑब्वियसली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो पक्का पक्का चेंज होने वाला ही है, वहां पे तो दिख ही रहा है, फील भी आ रही है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सी एंड बी, ठीक है। और अगर मैं सी और बी की बात करूं बेटा, सी और बी की, सी इस तरफ जा रहा है, बी भी इस तरफ जा रहा है, देखो। तो दोनों अगर इस तरफ आ जाएंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो चेंज होगा ही होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए एंड सी, ए और सी की बात करें, देखो ए इस तरफ जा रहा है और सी इस तरफ आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि इन दोनों के लाइन का जो सेंटर पॉइंट है वो तो यही रहेगा ना हमेशा, ऑलवेज। इसका मतलब इन दोनों का सेंटर मास हमेशा मिड में रहेगा, मास सेम है ना, आइडेंटिकल है, तो ऑब्वियसली इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो डेफिनेटली इनकी लाइन के मिड पॉइंट पे होगा। तो ये कंफर्म है हमेशा इसी लाइन पे रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद में ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो भी सेंटर ऑफ मास इन दोनों का यही रहेगा। और ये दोनों मूव कर ही नहीं रहे, इसका मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो यही रहने वाला है, इसका मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, बी एंड डी, बी और डी की बात करें अपन, तो बी इस तरफ है और डी इस तरफ है, तो देखो डी भी इस तरफ जा रहा है और बी भी इस तरफ जा रहा है, थोड़ी देर बाद में ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, तो इसका मतलब अगेन इसमें भी सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है बेटा। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। थ्री आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 kg आर कैप्ट एज शोन द फिगर, टचिंग ईच अदर विद देयर सेंटर्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इफ देयर सेंटर्स आर मार्क्ड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पी इज। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पूछी है पी पॉइंट से, मास तीनों का सेम है एम, इस वाले का भी एम, इस वाले का भी एम, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, एक्सियम बताओ, एक्सियम कितना आएगा, एक्सियम बराबर एम वन एक्स वन, इसका तो एक्स जीरो है ना, तो एम इंटू जीरो प्लस एम टू इंटू एक्स टू एम इंटू पी क्यू, पी क्यू डिस्टेंस, प्लस एम थ्री इंटू एक्स थ्री एम इंटू पी आर, पी टू आर, बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, मतलब एम प्लस एम प्लस एम थ्री एम आ जाएगा। इसका मतलब पहले वाला तो जीरो हो जाएगा, तो एम इंटू पी क्यू, नेक्स्ट वाला एम इंटू पी आर अपॉन थ्री एम, कैंसिल आउट हो गया, कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बेटा। चलिए, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजिशन वैक्टर्स, अच्छा पोजिशन वैक्टर दोनों का गिवन है देखो, रेस्पेक्टिवली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैज ए पोजिशन वैक्टर। तो सिंपल है, आर सी एम वैक्टर क्या होता है, आर सी एम वैक्टर बराबर एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू। एम वन कितना बेटा, 1 kg, एम वन इंटू आर वन, तो वन को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, आई के प्लस टू जे प्लस के ना, फिर प्लस एम टू इंटू आर टू वैक्टर, तो एम टू कितना है, 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करें बेटा कितना आएगा, देखो माइनस 9i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप बाय एम वन प्लस एम टू, तो 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये माइनस 9 है, ये i है, तो माइनस का 8/4 कितना आ जाएगा, माइनस का 2i कैप। नेक्स्ट देखो माइनस 4j 2j, तो माइनस का 4j/4 मतलब माइनस का j कैप। नेक्स्ट है 3k कैप एंड k कैप 4k कैप/4 मतलब प्लस का k कैप, कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू मासेस कनेक्टेड बाय ए मासलेस रोड लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। ए 0.4 केजी मास इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर व्हाइल ए 0.6 केजी मास इज एट ए डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू 7 मीटर। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, काफी इजी ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आपको पहला मास दे रखा है बेटा x बराबर 2 मीटर पर, दूसरा मास दे रखा है x बराबर 7 मीटर पर, तो आपको एक्सियम पूछा है बेटा, अगेन वही सिंपल फॉर्मूला, m1 x1, m1 कितना 0.4, x1 कितना बेटा, x1 आ जाएगा 2 मीटर है ना, 2 मीटर आ गया, प्लस m2 कितना है 0.6 और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 7 है ना, और बाय 0.4 प्लस 0.6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब m1 m2 आ जाएगा ना डिवाइड में, वो 1 के इक्वल आ गया। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 प्लस 4.2, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 5 मीटर, करेक्ट।
0.8 प्लस 4.2 कितना आया हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th, ए मैन वेइंग 80 kg स्टैंडिंग इन ए ट्रॉली वेइंग 320 kg, द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स, मतलब फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इफ द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन द ट्रॉली है, इसका मतलब मैन जो चल रहा है ना उसकी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर 4 सेकेंड हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी। तो एक बात बताओ, 4 सेकेंड में ये ट्रॉली पे चल रहा है तो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो 4 सेकेंड में कितना चल जाएगा, 4 मीटर ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो जैसे ये ट्रॉली है ना, और मैन इनिशियली बेटा यहाँ था, ठीक है, और मैन का जो मास है वो आपको दे रखा है 80 kg, ठीक है, और ट्रॉली जो है ना, ट्रॉली का भी सेंटर मास आप यही मान लीजिए, ट्रॉली का मिड में मानने की जरूरत नहीं है, इससे भी डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। तो मैन का मास मैंने 80 kg ले लिया, ट्रॉली का मास 320 kg है, और ये डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने 4 मीटर कंसीडर कर लिया, मतलब मैन यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो, तो मैन जब यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा तो मैन इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, यही पूछा है, हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन जो है वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, वो वैल्यू हमसे पूछिए, ठीक है। तो चलो देखो, अब इसको करते हैं अपन। तो अगर दोनों का मास मैं यही कंसिडर कर लूँ तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आ गया ना, क्योंकि m1 x1 x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, इसका भी x कोऑर्डिनेट 0 है, बोट का भी, तो इसका मतलब xcm दोनों का कितना आ गया, मतलब दोनों के सिस्टम का सेंटर मास जो है उसका x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब क्या हुआ, मैन जब इधर चल के जाएगा तो बोट किधर जाएगी, पीछे, ताकि सेंटर मास उसी पोजीशन पर रहे, तो सेंटर मास तो यहीं रहेगा, बोट इधर आ जाएगी बेटा और मैन इधर आ गया। देखो, बोट मान लीजिए पीछे की तरफ x डिस्टेंस शिफ्ट हो गई, ठीक है, तो ये पूरा कितना है 4 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 4 - x, है ना। तो मैन का तो सेंटर मास यहाँ आ गया, मैन का, और बोट का सेंटर मास यहाँ लिया था मैंने, तो ये 320 यहाँ पर आ गया, तो एक्सीएम तो 0 होना चाहिए ना। तो अब एक्सीएम बताओ कितना आएगा, 80 × 4 - x m1 x1, ठीक है, और उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, -320 × x, है ना, अपॉन m1 + m2, 80 + 320, ये देखो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो ये फायदा रहता है कि सेंटर मास वही मान लो तो एक्सीएम 0 होकर के थोड़ा कैलकुलेशन बेटा ईजी बढ़ जाती है, तो इससे मल्टीप्लाई 0 ही आएगा ये, तो 0 इज इक्वल टू ये कितना आया, ये आ गया 320 माइनस 80x माइनस 320x, ये आ गया 400, ये 320 इधर चला जाएगा, नेगेटिव 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 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आया 320 अपॉन में 400, है ना, ये आ जाएगा 0.8 मीटर। तो मतलब जो बोट है ना वो 0.8 मीटर शिफ्ट हो गई। तो एक बात बताओ, मैन जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ है, 4 - x ना, तो 4 में से 0.8 सबट्रैक्ट कर दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3.2 मीटर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू मासेस m1 एंड m2, m1 ग्रेटर देन m2 आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पास्ड ओवर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, ठीक है, मतलब हमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं बेटा, ठीक है, एक पुली है m1 मास और एक m2 मास, ठीक है, और m1 जो है ना वो हैवियर है m2 से, तो m1 नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो m2 ऊपर की तरफ जाएगा। अब आपसे कोई कहे कि बताओ सेंटर मास का एक्सेलरेशन कितना है, इन दोनों को अगर सिस्टम में कंसीडर करें तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो acm अगर हम फाइंड आउट करें तो acm इज इक्वल टू कितना है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर कर सकते जाओ या अपवर्ड वाले को कंसीडर कर लो पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपवर्ड वाले को चलो कर लेते हैं पॉजिटिव, तो m2 इंटू ए, ठीक है, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2 acm के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो m2 इंटू ए अपवर्ड, उसके लिए नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। तो acm हमारे पास कितना आया फाइनली, देखो m2 माइनस m1 अपॉन इसको m2 प्लस m1 लिख दो चाहो तो, है ना, और बाकी मल्टीप्लाई में a बचा। एक्सेलरेशन हम जानते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है इस पुली ब्लॉक सिस्टम, ये सिंपल सिस्टम है बेटा, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2 आएगा ना, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें चाहो तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो ये m1 माइनस m2 हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ गया ना इंटू में जी, माइनस साइन बाहर आ रहा है वो डायरेक्शन शो कर रहा है,
लेकिन इसमें इसने डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया, इसने इसको इसकी केवल वैल्यू दी है, देन आंसर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड दिया है तो आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19th पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी जो रोटेट हो रही है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो परफेक्ट जो भी अपन को लगेगा उसको अपन देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा होता है, कंपल्सरी नहीं है, हो सकता है एक्सेलरेटेड मोशन हो, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन, तो कोई भी बॉडी अगर मूव करेगी, रोटेशनली मूव कर रही है, तो डेफिनेटली पार्टिकल्स घूमेंगे, पार्टिकल्स रोटेट होंगे, तो सेंटीपेटल एक्सेलरेशन तो होगा ना, इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी रिमेंस अनचेंज्ड, यस सेंटर ऑफ मास थोड़ी चेंज होगा बॉडी का, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। फोर्थ है इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी अंडरगो एन एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा कोई कंपलसरी है क्या, इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी अंडरगो एन एक्सेलरेटेड मोशन, जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास भी, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स का कह रहा है, लेकिन उसके अलावा सेंटर ऑफ मास भी बोल रहा है ना, सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेटेड मोशन में हो सकता है, लेकिन कोई हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट अगर केवल यूं ही रोटेट हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं कम ही पड़ा है, वो एक्सेलरेट थोड़ी होगा फिर, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, आगे भी चल रहा है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड हो सकता है, लेकिन ये हर टाइम ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो परफेक्ट जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, इन ए बाइसिकल द रेडियस ऑफ रियर व्हील इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील, इफ आर एफ एंड आर 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 द रेडियस, वी एफ एंड वी एफ वी आर आर द स्पीड्स ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट्स ऑफ द व्हील देन। अभी ने रिलेशन पूछा अपन से, ठीक है। एक चीज देखो, साइकिल का फ्रंट व्हील, और ये फ्रंट व्हील आ गया और ये रियर व्हील है, ठीक है। तो इनकी रेडियस मैंने डिफरेंट डिफरेंट अज्यूम कर ली, सपोज ऐसा है, लेकिन जब ये रोल करेंगे, व्हील दोनों रोल करेंगे, तो इतना तो हमें पता है कि इसकी जो स्पीड होगी, सेंटर की जो स्पीड है, मान लीजिए V1 है, और इसके सेंटर की जो स्पीड है वो V2, तो क्या V1 और V2 ट्रांसलेटरी जो मोशन है, जो लीनियर जो स्पीड है सेंटर की, वो डिफरेंट होगी क्या, ना सेम होनी चाहिए, सेम तो होना पड़ेगा ना इनको, अदरवाइज व्हील दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों की स्पीड सेम है, तो ये वाली स्पीड सेम होनी चाहिए, मस्ट है। और ऊपर वाले पॉइंट की जो स्पीड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो 2 times होती है सेंटर की स्पीड की, ये वाली स्पीड कितनी होगी 2V2, और ये वाली स्पीड कितनी होगी 2V1। फिर जब ये V1 और V2 ही जब सेम है, तो ये भी तो सेम होंगे फिर, तो इसको तो बस 2 से ही तो मल्टीप्लाई किया आपने, इसका मतलब 2V2 = 2V1, और इसको इसने VR नाम दिया है, और इसको इसने VF नाम दिया है, तो VF = VR हो जाएगा, सिंपल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज दिस, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है बेटा, आई की वैल्यू है 2.4। नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 750 जूल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 750, ठीक है। एन एंगुलर एक्सेलरेशन 5 radians per second square मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस फॉर, अच्छा कितने टाइम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अच्छा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आपको गिवन है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा इनटू टी ना, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, तो ओमेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा अल्फा टी, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ नहीं है, तो 1/2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2.4 है ना, अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, इंटू टी स्क्वायर 750, राइट, ये 30 आ गया यहाँ पर, ये कितना आया 1.2, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया अपने पास 30/1.2, तो ये 0, ये आ जाएगा 4 है ना, ये आ जाएगा 100, तो 100/4 मतलब कितना आया, अंडर रूट करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये आ जाएगा सॉरी 10/2, ये टी इक्वल टू 5 seconds, आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखो यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज माउंटेड ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम हैंग्स फ्रॉम ए मासलेस स्ट्रिंग दैट इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ द डिस्क, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इज, काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है एक डिस्क है, यहाँ से अपने माउंट कर रखी है, और इसका मास है कैपिटल एम, इसकी रेडियस है कैपिटल आर बेटा,
इसके ऊपर आपने एक धागा बांध रखा है ना, लपेट रखा है इस पे धागा, और यहाँ पर आपने एक स्मॉल एंड मास का एक ब्लॉक इससे अटैच करके इसको रिलीज कर दिया, और आपसे पूछा इस फॉलिंग ब्लॉक जो है इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। चलिए देखें, टेंशन टी एज्यूम कर लिया, वेट एम जी आ गया, इस तरफ भी सेम टेंशन आएगा, ठीक है। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन कितना ए है बेटा, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लो, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। फॉर दिस डिस्क, डिस्क के लिए बात करें बेटा, तो ये डिस्क जो है इस सेंटर के अबाउट ही रोटेट होगी, तो टॉर्क कितना लग रहा है इस पर, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इस डिस्क का, एम आर स्क्वेयर बाई टू इंटू में अल्फा। अच्छा, अब जब ये जो स्ट्रिंग है ना इस पर स्लिप नहीं हो रही है ये, ठीक है, इस पर स्लिप नहीं हो रही बेटा, तो ये जो पॉइंट है ना, एक तो जो स्ट्रिंग है इस वाले का पॉइंट और एक जो डिस्क है इस वाले का पॉइंट, दोनों का रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो होना चाहिए, मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए। इस स्ट्रिंग वाले का एक्सेलेरेशन तो ए ही रहेगा क्योंकि ये ब्लॉक से अटैच है, और जो ये डिस्क है ना ये अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से रोटेट हो रहा है, तो इस पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, वो अल्फा आर के इक्वल आएगा, तो अल्फा आर ए के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा यहाँ पे ये आई इंटू अल्फा है ना, तो अल्फा की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, ए बाय आर रख सकता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ से देखो, टी आर इक्वल टू कितना है हमारे पास, एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू ए बाय आर, आर से आर, ये आर से कैंसिल आउट हो गया, टी इक्वल टू एम ए बाय टू आ गया। ये वाली एम ए बाय टू जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, तो रख दो एम जी, ये इस तरफ ले आओ, एम ए बाय टू प्लस स्मॉल एम ए, तो इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, टू एम जी, और ये 2m प्लस कैपिटल M इंटू ए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो 2mg अपॉन में 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। When a ceiling fan is switched on, it makes 10 revolutions in first 3 seconds. Okay, assuming a uniform angular acceleration, how many rotation it will make in next 3 seconds? तो ये कह रहा है कि ओमेगा इनिशियल तो जीरो है, अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, और फर्स्ट 3 सेकंड में ये 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो जो एंगल है ना थीटा, वो 10 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 2 पाई है ना, और थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, ओमेगा इनिशियल तो जीरो है प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अभी कह रहा है कि नेक्स्ट 3 सेकंड में और कितने रोटेशन ये करेगा, तो नेक्स्ट 3 सेकंड में मान लीजिए n रोटेशन कर रहा है ये, तो फिर टोटल रोटेशन कितने होंगे बताओ, भाई शुरू में इतने रोटेशन तो इसने कर ही लिए थे ना, 10 into 2 पाई है ना, 10 into 2 पाई, और नेक्स्ट 3 सेकंड में ये मान लीजिए n रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो एंगल कितना ट्रेवल करेगा, 2 पाई into n ना, एडिशनल जो 3 सेकंड्स होंगे, तो टोटल रोटेशन इतना ही आया, इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल 0, शुरू से ले रहा हूं मैं, ओमेगा इनिशियल 0 प्लस हाफ अल्फा इंटू, अब बताइए टाइम कितना होगा स्टार्टिंग से, 3 प्लस 3 6 हो गया ना, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है और कुछ भी नहीं है, तो यहां से बेटा देखो ये 9 अल्फा बाई 2 या 9 अल्फा की वैल्यू आप रख सकते हो 4 पाई इंटू 10 ना, और यहां से देखो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा हमारे पास 18 और 2 इंटू ये 9 अल्फा आ गया है ना, और 9 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 पाई इंटू 10, तो 9 अल्फा की वैल्यू यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10, करेक्ट, 4 पाई इंटू 10 ये 9 अल्फा की वैल्यू आ गई, और इस तरफ कितना है ये आ जाएगा 20 पाई या 2 पाई ही रख दो, ये 2 पाई, ये 2 पाई, ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, चलो 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी ये 2 बचा, राइट, तो ये कितना है यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 4 40 आ गया, ये तो ये कितना है 10, तो ये 40 माइनस 10 कितना आ गया 30, और ये 2 है ना, नहीं ये 2 पाई कट गया है ना, तो ये वैल्यू कितनी है, ये आ गया हमारे पास 40 और माइनस 10, सॉरी, तो 40 माइनस 10 कितना आ गया 30, तो n इक्वल्स टू 30 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, आंसर इज थर्ड ऑप्शन बेटा। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो है बेटा वो किस टाइप का वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है वो, है ना, वो एक्सियल वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, है ना, राइट एंड थंब रूल को यूज करते हैं अपन,
फिंगर्स जो होती हैं वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बताती हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपन जो है ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25th। टू डिस्क्स ऑफ सेम मटेरियल एंड थिकनेस हैव रेडाई 0.2 मीटर एंड 0.6 मीटर, मतलब सेम मटेरियल की है, मतलब डेंसिटी सेम है और थिकनेस भी सेम है। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस विल बी इन द रेशियो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मतलब ये जो डिस्क है ना वो एज ए सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है, तो सिलेंडर का भी एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अब हमें मास नहीं चाहिए यहाँ पे, डेंसिटी की टर्म्स में चाहिए, तो बताओ जरा एम मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वो जो सिलेंडर बनाना उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और इंटू में उसकी थिकनेस, थिकनेस को मैं एच कंसिडर कर लेता हूँ, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच और ये लास्ट में आर स्क्वायर भी है, तो वैल्यू कितनी आ गई देखो 1 बाई टू रो पाई एच आर की पावर 4। तो देखो रो कॉन्स्टेंट है, दे रखा है सेम मटेरियल है तो रो दोनों का सेम होगा, एच जो है वो थिकनेस है वो भी सेम है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी पूरी सेम है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो आर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो दोनों डिस्क के लिए बात करें अगर अपन, तो आई वन बाई आई टू जो होगा ना वो किसके इक्वल आएगा, आर वन बाय आर टू की होल पावर 4। आर वन कितना है 0.2, 0.2 रख दो, ये 0.6 है तो ये कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 की होल पावर 4 कितना आएगा 1/81, आंसर इज 1:81, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। सेवन आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर आर वेल्डेड सिमेट्रिकली एज शोन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी इज, ठीक है तो जो पॉइंट पी है ना वो यहाँ पे दे रखा है आपको, देखो इस एक्सिस के अबाउट अपन से पूछा है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट अपन से पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, राइट तो एक चीज देखो ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो इस पूरे सिस्टम का सेंट्रो मास यहाँ पे लाई करेगा ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, इस पूरे सिस्टम का इस सेंट्रो मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है तो सबसे पहले ये अंदर वाले डिस्क आई, इसका इस एक्सिस अबाउट कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, फिर इनमें से कोई भी एक डिस्क ले लो, ये वाले डिस्क इसका इस एक्सिस अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2, किसी भी एक डिस्क का, ठीक है प्लस में ये वाली डिस्टेंस, मतलब पैरेलेक्स फॉर्म लगा रहा हूं मैं, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम इंटू में ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, कितनी है डिस्टेंस, ये 2r है ना, तो 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर आ गया, तो ये इस एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कितनी डिस्क है इसके अराउंड 3 and 3 6, तो 6 डिस्क है ये, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, है ना, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, देखो ये कितना आया यहाँ पर, ये आ जाएगा 8 एम आर स्क्वायर, 8 और 1 कितना आ गया 9 एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, और 9 इंटू 6 54 ना, तो 54 एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, तो ठीक है तो 9 इंटू 6 54 और इधर भी है ये एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये 55 हो जाएगा टोटल 55 mr square by 2 इस पूरे सिस्टम का इस सेंट्रल मास के अबाउट आ गया। अब मुझे p के अबाउट फाइंड करना है, तो बेटा p से इस पॉइंट की सेंट्रल मास की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, देखो ये वाला तो 2r हो गया, ये r हो गया, तो ये कितना आया टोटल 3r हो गया ना डिस्टेंस, तो 3r है, तो अब इस पे वो इक्वेशन लगा देंगे, पैरेलल थ्योरम लगा देंगे, तो icm कितना आया 55 mr square by 2 ये रख देता हूं मैं, प्लस पूरे सिस्टम का मास कितना है पूरे सिस्टम का, तो ये 3m और ये 3m और ये m 7m ना, ठीक है इनटू में ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, पैरेलेक्स थ्योरम लगा रहा हूं मैं, तो ये 3r है बेटा, 3r का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9r स्क्वायर, ठीक है तो ये कितना आया 63 ना, ये 63 को इनटू 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 55 आ गया, 2 इनटू 63 ठीक है बाय 2 mr स्क्वायर, अब ये कितना है ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 126 और 55 ऐड करो आप तो ये आ जाएगा 181, तो 181 बाई 2 एम आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम सो दैट इज एक्वायर्स मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इट इज पॉसिबल विद आयरन एंड एल्यूमिनियम लेयर्स, अच्छा आयरन जो होता है वो ज्यादा डेंसिटी का होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का होता है, डेंसिटी कम होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को ज्यादा करना होगा ना, तो अपन को
हैवी जो चीज है ना उसको जितना ज्यादा दूर रखेंगे ना एक्सेस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। हल्की चीज को पास रखेंगे, हैवियर चीज को थोड़ा दूर रखेंगे, उसके हिसाब से सोचो बेटा। तो आयरन एंड एल्यूमिनियम लेयर्स इन अल्टरनेट ऑर्डर, इसके कहने का मतलब है इस टाइप से अल्टरनेट ऑर्डर में यूं रखें, ठीक है? ठीक है, देखते हैं आगे भी कोई और ऑप्शन मिले तो। एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट, ये हो सकता है। एल्यूमिनियम को अंदर रख दिया और आयरन जो है वो सराउंडिंग में, तो हैवियर जो पार्ट है ना वो बाहर की तरफ है बेटा। जितना ज्यादा दूर होगा ना हैवियर पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा बेटा सिस्टम का, ठीक है? आयरन एट इंटीरियर ना, अंदर भारी रख दिया, हल्का वाला बाहर रखा, तो ये भी सही नहीं है। आइदर वन और थ्री ना, तो इसमें बेस्ट आंसर कौन सा बेटा? सेकंड ऑप्शन है, ठीक है? चलिए, ए लाइट रोड ऑफ लेंथ एल हैज टू मासेस m1 एंड m2 अटैच टू इट्स टू एंड्स, ठीक है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मासेस। m1 m2 मास है, लेंथ l है रोड की, ये वाला मास m1 है बेटा, ये वाला मास m2 है, और हमको पूछा है कि जो सेंटर ऑफ मास है ना इसके अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो सेंटर ऑफ मास की इस m1 से डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस आएगी ना m2l अपॉन में m1 प्लस m2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये उसके अकॉर्डिंग आएगी m1l अपॉन में m1 प्लस m2, खत्म। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है पार्टिकल सिस्टम के लिए, m1 into ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m2 into ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना? वहां से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। और वैसे भी आप रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से भी इसको डील कर सकते हो, ठीक है? रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो उससे वैल्यू आ जाती है म्यू इनटू में एल स्क्वायर, और रिड्यूस्ड मास होता है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। फोर पॉइंट मासेस ईच ऑफ वैल्यू m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड L। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू BD इज। सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं, चलो ABCD, इसके कॉर्नर पे पार्टिकल्स रखे हैं, फोर पार्टिकल्स है बेटा। लेंथ कितनी गिवन है, L है। हमसे ये पूछा है कि A से एक्सिस पास हो रही है जो कि BD के पैरेलल है, मतलब ऐसे है, देखो है ना, ये वाला एंगल 90 है, तो ये अगर इसकी पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 45 होगा ना, ये वाला भी 45 आएगा, ठीक है? तो ये वाला लेंथ L है, ये वाला लेंथ L है, अच्छा ये तो डायगनल हो गया, तो ये रूट टू एल हो जाएगा, ठीक है? सारे के सारे मास जो वो m है, ये भी m, ये वाला भी m, ये भी m और ये वाला भी m, ठीक है? अब ये बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो होगा क्योंकि ये इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, ये वाले। अच्छा ये L है, तो ये L sin 45 आ गया ना, मतलब L by root 2 आ गया ये वाला डिस्टेंस, और इस वाले की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम उसी कॉन्सेप्ट से L by root 2। तो बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, m into r square, r कितना है L by root 2, इसका स्क्वायर करोगे तो ml square by 2 आ गया, इस वाले का भी ml square by 2 आ जाएगा, तो ml square by 2 plus ml square by 2 मतलब ml square आ गया। अब ये वाला पार्ट बचा m into में root 2 l का होल स्क्वायर, मतलब m into 2l square, तो m into 2l square और इनका कितना आया था ml square आया था, तो 2ml square plus ml square कितना आ गया 3ml square, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है? रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अपन उसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ बॉडी इनटू में के स्क्वायर, और यहां जो के है वो रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो के किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधी सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के मास पर, मतलब जो भी सिस्टम आपने लिया है उसके मास पर और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर, मास कितना दूर है, पार्टिकल जो है ना वो जितने ज्यादा दूर होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑब्वियसली एक्सिस रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने लिया है वो एक्सिस रोटेशन कहाँ पे लिया है, ठीक है? यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम और एक्सिस रोटेशन अगर दूर है, ज्यादा दूर लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो इसमें बेस्ट आंसर मास एंड साइज ऑफ बॉडी, साइज ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी ना, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 2L हैज मास पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल m, स्मॉल m बेटा मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, और रोड की लेंथ कितनी है 2L है। तो बताओ रोड का अगर मास मैं कैपिटल m मान लूं तो रोड का मास कितना हो जाएगा, देखो कैपिटल m इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ कितना है स्मॉल m, इसको 2L से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा ना इसका, आ गया? अब क्या पूछा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, क्या होता है फॉर्मूला, ml स्क्वायर बाय 12 होता है ना, है ना? तो 1/12 इंटू एम मास होता है, मास कितना है यहां पर 2ml इंटू एल स्क्वायर,
L होती है वहां पे लेंथ, यहां पे लेंथ कितनी है 2L है, तो 2L का होल स्क्वायर कितना आएगा 4L स्क्वायर, ठीक है। तो M ये L हो गया वो जिसको 2L रखा है हमने, स्क्वायर बाय 12, यही तो फॉर्मूला लगेगा। अब यहां से बेटा जो कैंसिल आउट हो रहा है कट कर दो, देखो तो ये 2 से कट कर दो 6, फिर अगेन 2 से कट कर दो 3, तो 2 बाई 3 ml क्यूब, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड्स ऑफ ए रिजिड ऑफ लेंथ l एंड नेग्लिजिबल मास, द रॉड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, द पोजिशन ऑफ पॉइंट p ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास सो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम, ठीक है, इस गिवन बाय। देखो आपने इस सिस्टम को रोटेट किया बेटा, तो जो आप वर्क करोगे ना वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, सीधी सी बात। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि वर्क मिनिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समझ वाली बात। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें बेटा, तो मैं यहां लिख देता हूं इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख दो चाहो तो हाफ है ना आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एम एक्स स्क्वायर ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा एम एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेम एंगुलर स्पीड इसकी भी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हाफ आई, आई कितना आएगा इसका, अच्छा मास डिफरेंट डिफरेंट है, इसका एम वन है, इस वाले का एम टू है, और इस वाले की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी एल माइनस एक्स है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम टू एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा, अब हमें काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम करना है, तो ये काइनेटिक एनर्जी एक्स पर डिपेंड कर रही है, तो हमें मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में और बराबर जीरो कर दो फिर। तो यहाँ 1/2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट, इसको भी बाहर ले आओ, बाकी पार्ट को डिफरेंशिएट कर दो। तो एम वन एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2m1x, ठीक है, और इस वाले पार्ट की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस एम टू, और l माइनस एक्स का स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2m1x, ये आ गया माइनस आ जाएगा यहाँ पर 2m2l-x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा करेक्ट m1 into 2x और ये आ जाएगा माइनस का 2m2l-x, क्योंकि l माइनस एक्स का होल स्क्वायर का आ जाएगा 2 into l-x, फिर l माइनस एक्स का अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, l का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1 आ गया जाएगा बेटा। तो ये डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया और इसको कर दो बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो 2m1x माइनस, अच्छा 2 तो हट जाएगा, m1x, ठीक है, और माइनस में आ जाएगा m2l और माइनस माइनस प्लस m2x इज इक्वल टू 0 ना, सो m1x प्लस m2x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई m2l अपॉन में m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से जो काइनेटिक एनर्जी अपन मेजर करते हैं ना बेटा, वो हमेशा मिनिमम रहती है, ये ध्यान रखना, हमेशा मिनिमम रहती है, चाहे ट्रांसलेशनल बात कर लें, ठीक है, चाहे रोटेशनल बात कर लें बेटा, ये ध्यान रखना। आगे से कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना तो हमेशा ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो हम काइनेटिक एनर्जी मेजर करते हैं ना बेटा, वो मिनिमम होती है हमेशा। आंसर इज ये वाला, ठीक है, m2l upon m1 plus m, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ए रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास कैपिटल m इज बेंड टू फॉर्म ए सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, एक रॉड है, लेंथ आपको l दे रखी है, मास इसका कैपिटल m है बेटा, इसको सेमी सर्कुलर रिंग में आपने बेंड कर दिया, तो क्या आप इसकी रेडियस बता सकते हो, तो ये तो पाई आर हो जाएगा ना, 2πr का हाफ, और पाई आर जो है वो l के इक्वल होगा, तो यहां से रेडियस कितनी आ गई l/π, रेडियस हमारे पास l/π आ गई। अब इस रिंग का, इस हाफ रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, जैसे कंप्लीट रिंग होती है, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है mr² होता है, और इस एक्सिस के अबाउट mr² / 2 होता है, ठीक है, जिसमें mr² / 2। अब ये हाफ रिंग है तो हाफ रिंग का mr² / 2 का हाफ मत कर देना, क्योंकि मास भी तो इसमें हाफ हुआ है ना, इसमें ये मास अगर मैं इस वाले का हाफ कर दूं तो m/2 हो जाएगा मास, नहीं इसमें इसी का ही मास अगर m है, फिर बेटा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा इसका, वो आ जाएगा mr² / 2, सिंपल, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो देखो m की वैल्यू तो हमें दे रखी है ऑलरेडी, बाई 2 भी है, और जो r स्क्वायर है ना, r की वैल्यू l बाय पाई है, तो l² / π² आ जाएगा। आंसर इज mL² / 2π², तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो।
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज आई वन. द सेम रोड इज बेंट इन टू ए रिंग, ठीक है, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डायमीटर इज आई टू, देन आई वन बाई आई टू इज. अगेन वैसे ही सेम क्वेश्चन आ गया सेम कॉन्सेप्ट पर. तो रॉड है एक, लेंथ आपने एल कंसिडर कर ली बेटा, और इसका मास एम है. तो इसके एक एक्सिस एक एंड के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, इसको इसने आई वन लिखा है, और आई वन जो है वो कितना आ जाता है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है ना, ये आ गया. फिर ये कह रहा है इसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी, रिंग में कन्वर्ट कर दिया आपने, और रिंग के ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है. तो मास इसका एम है, रेडियस इसकी मान लीजिए आर है, तो रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको इसने आई टू दिया है, तो डेफिनेटली वो एम आर स्क्वायर बाई टू होगा ना, एम आर स्क्वायर बाई टू. अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है आपको. अब आर की वैल्यू देखें बेटा, तो ये देखो ये लेंथ पूरी एल है, तो ये टू पाई आर होगा ना इस केस में, तो एल इक्वल्स टू टू पाई आर, R equals to L by 2 pi ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए बेटा, तो I2 is equal to कितना आ गया, M by 2 R square, R square आ जाएगा L square by 4 pi square, ठीक है, तो M by 2 R square आ जाएगा L square by 4 pi square, देन I1 by I2 कितना आ जाएगा, I1 by I2 की बात करें तो इन दोनों का रेशियो ले तो ML square by ML square तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 by 3 है तो 4 pi square तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, into 2 भी गया ऊपर, ठीक है, डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये 8 पाई स्क्वायर आ गया, डिवाइड में कितना आ गया, 3 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर बाई 3, फोर्थ ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू. अच्छा, इसमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा और मैक्सिमम पूछा, सेंटर मास के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और बाकी पैरेलेक्स थ्योरम लगा के आप कर सकते हो, पैरेलेक्स थ्योरम लगाओगे तो क्या लगेगा फॉर्मूला, आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, डी जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, किस एक्सिस के अबाउट होगा, बी के अबाउट ही ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है बेटा, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, बी मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए. ए रॉड ऑफ लेंथ एल इज कंपोज्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म लेंथ एल बाई टू ऑफ वुड हुज मास इज एम डब्ल्यू एंड ए यूनिफॉर्म लेंथ एल बाई टू ऑफ ब्रास हुज मास इज एम बी, ठीक है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I of road about an axis perpendicular to the road and through its center is equal to. मतलब हमसे पूछा है एक रॉड है, ठीक है, हाफ पार्ट जो है ना इसका, मतलब L by 2 length वाला, L by 2 length वाला, इसका मास जो है ना, इसका मास इसने MW दिया हुआ है, और जो हाफ पार्ट है ना L by 2, इसका मास इसने दिया हुआ है MB, और हमसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इसने, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड थ्रू इट सेंटर, मतलब इस एक्सिस अबाउट पूछा है, ठीक है. तो कर देते हैं, देखो ये वाली रोड दिख रही है आपको, इस रोड का बेटा एक एंड के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें तो फॉर्मूला क्या लगता है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस अबाउट कितना आएगा, वन बाई थ्री एम डब्ल्यू इंटू में एल स्क्वायर, और एल इसकी लेंथ जो एल बाई टू है, तो एल स्क्वायर बाई फोर आ गया, समझ आई बात कैसे किया मैंने, सिंपल. प्लस इस वाले पार्ट का भी इंडिविजुअली इस एक्सिस अबाउट निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, अगेन 1 बाई 3 इंटू मास ऑफ दिस पार्ट इज एम बी इंटू एल स्क्वायर, और एल इसका कितना, एल बाई 2, तो एल स्क्वायर बाई 4 आ गया, ये तो 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, तो 1 बाई 12 इंटू एल स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा एम डब्ल्यू प्लस एम बी. तो ये आप ऑप्शन देख लीजिए आप कौन सा है, ऑप्शन आ जाएगा बेटा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो. X and Y are two loops made from same wire मतलब material same है, मतलब density same है. The radii of X and Y are R1 and R2 and their moment of inertia are I1 and I2. If I2 by I1 equals to 4, then the value of R2 by R1 is, ठीक है. तो जो I2 है ना, उसमें mass आएगा ना, तो सबसे पहले mass को consider करते हैं अपन. देखो material same है, इसका मतलब जो wire लिया है ना, उसके लिए मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कांस्टेंट है. तो मास पर यूनिट लेंथ जो है मैंने लैम्डा अज्यूम कर लिया, ठीक है, लैम्डा अज्यूम कर लेता हूं मैं. तो बताइए इसका रिंग का जो मास आएगा, अगर मान लीजिए इसकी रेडियस अगर सपोज आर है, एक रिंग की बात कर लूं आर है, तो इसकी जो पेरिफेरी या जो सर्कमफ्रेंस आएगा, वो सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, 2 पाई आर, ठीक है. और यूनिट लेंथ का मास अगर लैम्डा है, तो इसका मास कितना आ जाएगा, 2 पाई आर * लैम्डा रिंग का मास. और इस रिंग का, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लिखोगे, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ना, एम तो है 2 पाई आर इंटू लैम्डा, ये तो एम आ गया, इंटू में आर स्क्वायर,
इसका मतलब I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब आ गया ना, ये हमें दे रखा है। इसका मतलब I2 by I1 जो है वो बेटा पक्का पक्का R2 by R1 की होल पावर 3 आएगा ना, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल रख रखी है इसने, 4 के इक्वल, ठीक है, ये एग्जैक्टली 4 के इक्वल है बेटा। अब जब 4 के इक्वल है तो इसको अपन लिख सकते हैं R2 by R1 equals to 4 की पावर 1 by 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो, फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना एबीसीडी हुज सेंटर इज ओ, स्क्वायर लेमिना ये पूछा क्या है, अच्छा ये देखना है हमें कि ये रूट टू आई ए सी इक्वल टू आई ई एफ के इक्वल है क्या, ये इसके इक्वल है, देखते हैं। चलो स्क्वायर लेमिना जो होता है, इस स्क्वायर लेमिना के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से सेंटर के अबाउट आई है, आई नॉट है सपोज इसके अबाउट, ठीक है, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे सिमेट्रिकली सेम होगा ना, इस एक्सिस के अबाउट अगर आई है तो इस एक्सिस के अबाउट भी आई आएगा, फिर तो आई नॉट इक्वल टू 2i के इक्वल होगा ना, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, तो 2i इक्वल टू आई नॉट, तो आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2 आएगा, नहीं है, तो मतलब इस एक्सिस के अबाउट आई नॉट बाई 2 आएगा, इस एक्सिस के अबाउट भी आई नॉट बाई 2 आएगा, ठीक है। अगेन मैं अगर एक्सिस ये वाली ड्रॉ कर दूं तो परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी इसके बराबर होना चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसका मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर आई डैश अज्यूम करूं, इस वाले एक्सिस के अबाउट भी आई डैश होगा फिर, क्योंकि ये एकदम सिमेट्रिकल है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो आई डैश प्लस आई डैश अगेन आई नॉट के बराबर आए, तो आई डैश की वैल्यू आई नॉट बाई 2, इसका मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट और इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट है ना, इस वाले एक्सिस के अबाउट सभी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट बाई 2 के इक्वल आ रहा है, बाकी आप मैच कर लो। तो इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन देखो, आई ए सी इक्वल्स टू आई ई एफ, आई ए सी इक्वल्स टू आई ई एफ डेफिनेटली बराबर है बेटा, आई ए डी, ए डी कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इसको रब करें या चलो देख लेते हैं बाद में, आई ए डी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आई ई एफ, आई ई एफ ये देखो आई ई एफ है ना, आई ई एफ कितना है, आई नॉट बाई 2 आ जाएगा, आई नॉट बाई 2 है ना आई ई एफ, ठीक है, i नॉट बाई 2 आ गया, और आई ए डी जो है इस एक्सिस के अबाउट वो कितना आएगा, वो i नॉट बाई 2 मतलब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में m इनटू में d स्क्वायर, तो ये डेफिनेटली जो i ए डी है, i ए डी की वैल्यू क्या इसके 3 टाइम्स होगी आई एफ के, ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो मैं बताऊँ यहाँ पर, देखो स्क्वायर लेमिना का फॉर्मूला क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a और b जो दोनों लेंथ हैं, लेंथ और विड्थ वो दोनों सेम, तो 2 ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, m ए स्क्वायर बाई 6, ये किस एक्सिस के अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट है, z एक्सिस के अबाउट, ठीक है, बाहर की तरफ जो एक्सिस आ रही है, तो ये तो क्लियर हो ही चुका है हमें, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। आई ए डी क्या 3 टाइम्स ऑफ आई ई एफ के इक्वल है, आई ई एफ जो है वो जस्ट इसका हाफ होगा, ये तो हमने देख लिया था, हाफ मतलब एम ए स्क्वायर बाय 12, और आई ए डी की बात करें, इस एक्सिस अबाउट बात करें तो ये वाली एक्सिस जो है ये पता लग गया हमें एम ए स्क्वायर बाय 12 है, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये पूरा मास अगर एम है और ये डिस्टेंस बेटा ए बाई 2 हो जाएगा ना, तो एम ए स्क्वायर बाय 4 हो गया, तो एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे अगर आप 12 एलसीएम ले लोगे तो ये कितना आएगा, 4 एम ए स्क्वायर आ गया ना, तो ये एम ए स्क्वायर बाय 3 आ गया, तो ये आई ए डी जो है ना वो एम ए स्क्वायर बाय 3 है, ठीक है, 3 टाइम्स है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आई ई एफ जो था वो एम ए स्क्वायर बाय 12 था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम ए स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, लेकिन वैल्यू क्या आनी चाहिए, एम ए स्क्वायर बाय 3 आनी चाहिए, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इसी वे से बेटा आप दूसरे भी ऑप्शन चेक कर सकते हो, तो उसे दिखते ही देखो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, इतना तो ऑप्शन देखते ही आइडिया लग जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए बेटा, इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, लेमिना आपको दे रखा है देखो, और हमसे पूछा है कि कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है, राइट, तो जो ए बी है वो हाफ है बी सी का, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा दूर होता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा बेटा। अब इसमें अगर बात करें BC,
तो एक्सिस बीसी जो है वो आपको ये वाली नजर आ रही है, देखो ठीक है। फिर है एक्सिस बीडी, बीडी ये वाली एक्सिस है देखो। फिर नेक्स्ट वाली है एचएफ, एचएफ ये वाली एक्सिस है। एंड नेक्स्ट वाली बेटा ईजी, ईजी ये वाली एक्सिस, ठीक है। इसमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रफ आइडिया लगाना आपको कि किसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पास पास है, जितना पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होगा बेटा। तो यहाँ पर देखो ये वाली एक्सिस तो ना, इसमें तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दूर है तो इसमें ज़्यादा होगा। बीसी की बात करें तो भी देखो इस तरफ एक साइड में मास डिस्ट्रीब्यूट है तो भी इसमें भी ज़्यादा होगा। ईजी की बात करें और बीडी की बात करें, ठीक है, तो बीडी में बात करें ना बेटा, तो ये देखो डायगनली अगर अपन ये देखें तो ये डिस्टेंस है ना इस वाले डिस्टेंस से ज़्यादा है ये वाला डिस्टेंस। इसका मतलब बीडी वाले में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ईजी के कंपेरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मिनिमम किसके लिए आएगा, ईजी के लिए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। वन सॉलिड स्फीयर ए एंड अनदर होलो स्फीयर बी आर ऑफ सेम मास एंड सेम आउटर रेडाई, मतलब रेडियस सेम है दोनों की, मास दोनों का सेम है। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर आर रेस्पेक्टिवली आई ए एंड आई बी सच दैट, तो ऑब्वियसली जो सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला 2/5 mr² होता है और होलो स्फीयर का 2/3 mr² होता है। होलो स्फीयर का ज्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि जो आई बी है होलो स्फीयर का बेटा वो आई ए के कंपेरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। ए रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज मेल्टेड एंड देन मोल्ट इनटू ए स्फीयर, ओहो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर विल बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पूछा है। रिंग है, मास एम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr² रिंग का, उसकी एक्सिस के अबाउट। अब उस रिंग को अगर आप मेल्ट करके आप स्फीयर बनाओगे, स्फीयर छोटा बनेगा ना, तो स्फीयर छोटा बनेगा और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr² 2/5 mr², और आर तो उसका और छोटा हो जाएगा। अरे रिंग से अब जब आप स्फीयर बनाओगे तो छोटा स्फीयर बनेगा ना, रेडियस और कम होगी, मास तो वही का वही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली कम होगा उसका, है ना, लेस देन दैट ऑफ रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर कैपिटल आर हूज रिम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। मतलब बेटा ये दे रहा है अपने को कि एक कैपिटल एम मास की एक डिस्क है ना, एंड रेडियस कैपिटल आर इज ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर हूज रिम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सेंटर इज कट, ठीक है ना। तो मतलब इससे एक आपने सर्कुलर डिस्क जो थी वो कट करके बाहर निकाल दी और अपन से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा कि रिमेनिंग पार्ट का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए करते हैं, देखो जब ये कंप्लीट थी तो कंप्लीट मास कितना था, कैपिटल था ना, तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा mr² / 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जो पीस आपने कट करके बाहर निकाला है उसका मास अज्यूम कर लो स्मॉल एम है, तो इस छोटे वाली डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं इसमें सबट्रैक्ट कर दूंगा तो रिमेनिंग पार्ट का जाएगा। अच्छा इस डिस्क का मास मैंने स्मॉल एम अज्यूम किया, इस डिस्क की रेडियस कितनी होगी r/2 हो जाएगी, तो बताइए इस डिस्क का सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम, रेडियस r/2 है उसकी, ध्यान रखना, mr² / 4 हो गया r/2 का स्क्वायर, प्लस क्यों लगा रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा ICM जो कि मैं लिख चुका हूँ, प्लस में m into d square है ना, तो by 2 भी आएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, देखो 1/2 m into r/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 mr² / 4 आ गया, ठीक है, प्लस m into में ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस कितनी है r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर मतलब r² / 4, तो mr² / 4 आ गया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है अपन को, अच्छा इसमें स्मॉल m की वैल्यू भी रखनी है ना, चलो बाद में रख देंगे, mr² / 2 माइनस ये कितना आया, ये हो जाएगा 8, ये आ गया हमारे पास 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2+1 = 3 mr² / 8, ठीक है। अब इसको सिंपल करना है, देखो स्मॉल m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो मास जो है बेटा वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी डिस्क का एरिया कितना है πr², तो हम जानते हैं कि πr² एरिया पे मास कितना है, पूरा कंप्लीट m है ना, यूनिट एरिया पे कितना आएगा m/πr², तो ये जो डिस्क हमने कट की है ना, इस डिस्क का एरिया निकाल लो। अब इस डिस्क का एरिया कितना आएगा बेटा, इसकी रेडियस कितनी है r/2 है ना, तो इस डिस्क का एरिया कितना आएगा πr² / 4, रेडियस r/2 है तो πr² / 4, तो πr² / 4 के कॉरस्पॉन्डिंग मास कितना आएगा फिर,
m by pi r square into pi r square by 4. इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, m by 4. तो स्मॉल m की जो वैल्यू है वो m by 4 के इक्वल है बेटा. तो यहां पर अगर आप कैपिटल m by 4 रखोगे तो ये 4 आ गया, ये आ गया 32, ठीक है 32 आ गया जी. इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से 16 ऊपर 32 नीचे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां पर 16 - 3 13/32 mr स्क्वायर. देखते हैं चलो, तो 13/32 आ गया ना, सेकंड ऑप्शन आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील ब्रेक्स ऑफ व्हाइल इट इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, देन इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन विल बी. रेडियस ऑफ जायरेशन जानते हो आप, आई बराबर एम के स्क्वायर और के की वैल्यू हमें निकालनी है. तो फ्लाई व्हील जो होता है ना वो एज ए डिस्क की तरह आप उसको अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, और इसका पूरे का कंप्लीट का जो मास है वो कैपिटल एम है, कैपिटल एम मान लो, और रेडियस इसकी कितनी, कैपिटल आर है. अब इससे छोटा सा जो पार्ट है, मान लीजिए स्मॉल एम मास का एक छोटा सा पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है. तो बताइए अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इस एक्सिस अबाउट, पूरी कंप्लीट इसका कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2 है, माइनस इस छोटे से पीस का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा एम आर स्क्वायर, यही आएगा ना. तो अब जो जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा उस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल एम आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एम इंटू के स्क्वायर के इक्वल होता है. एम होता है रिमेनिंग पार्ट का मास, मतलब जो भी जिस बॉडी का आप रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए मास आपको लिखना पड़ेगा. तो मास कितना बचेगा, एम माइनस स्मॉल एम ना इंटू में के स्क्वायर. तो यहाँ से देखो बेटा, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो आप, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया ना, यहाँ पे आ जाएगा एम माइनस 2m और डिवाइड में ये 2 आ गया और ये एम माइनस स्मॉल एम आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, बराबर के स्क्वायर. और के अंडर रूट करोगे तो ये जो है ये आर स्क्वायर, तो आर तो हट गया, रूट 2 आ गया. अब जब ये कंप्लीट था ना तो रेडियस ऑफ जायरेशन कितना था, आर बाई रूट 2, पूरी डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन कितना था, आर बाई रूट 2. लेकिन अब जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो एम माइनस 2 स्मॉल एम अपॉन में एम माइनस स्मॉल एम है. तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है, देखो ऊपर जो क्वांटिटी है वो ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रही है एम में से, नीचे कम हो रही है सब्ट्रैक्ट. इसका मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी डेफिनेटली स्मॉलर होगी ना इसके कंपेरेटिवली, तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन है बेटा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ए मास एम हैंग्स विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड ए पुली ऑन ए फ्रिक्शनलेस बियरिंग, द पुली हैज मास स्मॉल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, अज्यूमिंग पुली टू बी ए परफेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, द एक्सेलरेशन ऑफ द मास एम इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली. ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है, उसमें हमने टॉर्क और जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसकी हेल्प से उसको सॉल्व किया था. उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. जैसे वापस अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो डिस्क है इसका मास कितना m है, रेडियस इसकी कितनी r है, यहाँ से ये ब्लॉक है इसका मास भी कितना है स्मॉल m, mg डाउनवर्ड लग गया बेटा, टेंशन अपवर्ड लग गया, यहाँ टेंशन डाउनवर्ड, ठीक है. इसके लिए इक्वेशन एक्सेलरेशन का a है, इक्वेशन क्या बनेगी mg माइनस t इक्वल्स टू ma. इसके लिए टॉर्क क्या लगेगा, t इंटू r इक्वल्स टू i इंटू अल्फा, i कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क के लिए इंटू अल्फा, अल्फा को क्या रख सकते हो a बाय r. तो ये देखो r से r, ये वाला r इससे कट गया, t इक्वल्स टू ma बाई 2 आ गया, यहाँ रख दीजिए ma बाई 2 इधर जाएगा, ma बाई 2 प्लस ma मतलब 3 ma बाई 2, तो m से m कट गया, तो a बराबर कितना आ गया 2g बाय 3, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा 2g बाई 3 के इक्वल आ जाएगा. काफी सिंपल क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो. ए कपल प्रोड्यूसेस, देखो कपल का मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एंटी पैरेलल लगते हैं और उनके बीच में सेपरेशन भी होता है. जैसे फोर्स इस तरफ लगा है, एक फोर्स इस तरफ लगा है, दोनों एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है. और देखो एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एसीएम जीरो, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है इसके अंदर, है ना. तो लीनियर मोशन की बात करें वो नहीं होगी, रोटेशन की डेफिनेटली रोटेशन होगा, ये रोटेट हो जाएगा, टॉर्क लग रहा है ना, तो कपल में टॉर्क लगता है, ठीक है. ट्रांसलेशनल मोशन नहीं, मतलब लीनियर मोशन नहीं होगी, प्योरली रोटेशनल मोशन होगी उस केस में, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन. When a torque acting on a system is zero, then which of the following will be constant? बेटा जैसे F vector equals to dp vector by dt होता है, same tow vector equals to क्या होता है, dl vector by dt होता है. तो अगर torque zero है system पर तो F vector क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा. L vector मतलब angular momentum, तो angular momentum मतलब third option. Next question. A force of minus F k cap acts on O, the origin of the coordinate system, मतलब फोर्स जो है ओरिजिन पे लग रहा है, द टॉर्क अबाउट द पॉइंट.
तो 0.1, -1 के अबाउट आपको टॉर्क फाइंड करना है बेटा। तो टॉर्क के लिए बेसिक फॉर्मूला अपन लगाते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और जो आर वेक्टर होता है ना वो जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया उस पॉइंट का दूसरे पॉइंट के अबाउट पोजिशन वैक्टर होता है। तो किस पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं, 1, -1 के अबाउट, और किस पे लगा रहे हैं अपन, जीरो पे, मतलब ओरिजिन पे। इसका मतलब जो आर वेक्टर आएगा ना वो आ जाएगा 0, -1 आई कैप, समझ रहे हो बात को, ओरिजिन का पोजिशन वेक्टर है ये, किसके रेस्पेक्ट में, 1, -1 के रेस्पेक्ट में। तो 0, -1 आई कैप प्लस फिर नेक्स्ट 0, क्योंकि ओरिजिन का 0 ही आएगा, 0, -1 जे कैप, ये आर वेक्टर आ गया बेटा। तो इस आर वेक्टर को मैं लिख दूं वापस -i कैप + j कैप, आ गया आर वेक्टर। इसको बेटा किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपन को, -fk के साथ, ठीक है। तो ये सिंपल कर लो, तो माइनस को चाहो तो आप बाहर ले आओ, एफ को भी बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले आई को के साथ कर लीजिए, या माइनस को करना चाहो माइनस को कर लो, तो एफ को रख दो बाहर, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस आई का के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, माइनस जे, ठीक है। फिर माइनस था ही ऑलरेडी, ये माइनस तो है ही, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, समझी बात। तो ये एफ तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बार ले लिया, तो माइनस का माइनस आई कैप का माइनस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना बेटा, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, माइनस का जे, फिर जे का माइनस के साथ माइनस मैंने पहले रख दिया, तो जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस, माइनस को बाहर ले आओ तो माइनस एफ आई प्लस जे आ जाएगा बेटा, ये वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नन ऑफ दिस। मेन चीज क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको टर्न करना है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 3D की बात करें अपन, तो इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, जैसे इस तरफ अप्लाई कर दिया मैंने फोर्स, है ना, ठीक है। तो इस एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग इस फोर्स का एक तो कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखना, चलो ये ऑब्जेक्ट जो फ्री टू मूव है, मतलब क्योंकि हमें ये दे नहीं रखा इसने कि ये कोई फिक्स्ड एक्सिस है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया इस तरफ, ठीक है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए इस बॉडी का यहाँ पे, तो इस बॉडी के कारण देखो, जैसे इस फोर्स के कारण एक तो इसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में आएगा, सेंटर ऑफ मास है ये, ठीक है। तो इस फोर्स का जो ये वाला जो कंपोनेंट है, जो कि आर के एकदम जस्ट परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट ही इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। और इस कंपोनेंट को अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट, राइट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट मतलब इस डिस्टेंस के जस्ट परपेंडिकुलर बेटा, क्योंकि टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा जो होता है बेटा ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा, इज दैट क्लियर। ये टेंजेंशियल होना जरूरी नहीं है, ये जो कंपोनेंट है, ये फोर्स जो है, फोर्स का ये वाला जो पार्ट है, ये टेंजेंशियल होना हर केस में जरूरी नहीं है बेटा, किसी केस में हो सकता है लेकिन हर केस में जरूरी नहीं है। तो ये जो आर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, R into F sin theta, F sin theta जो है वो transverse component है बेटा, third option। Question number 49, the instantaneous angular velocity position of a point on a rotating wheel is given by theta given आपको, the torque on the wheel becomes zero at। देखो torque कब zero होगा, तो देखो theta आपको given है, theta से आप omega find कर सकते हो, omega से आप alpha find कर सकते हो, और torque होता है I into alpha, तो torque अगर zero होगा तो alpha भी zero होगा, तो इसका मतलब अपन को दो बार differentiate करना पड़ेगा, और फिर check कर लेते हैं उससे कितना आएगा। देखो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 60² - 12t, ठीक है, ये तो आ गया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 12t - 12, और ये अल्फा आ गया ना, अल्फा अगर जीरो तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो कर दो तो टी बराबर कितना आ गया, 1 सेकंड बेटा, आंसर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे फोर्स लगा रखे हैं अपन, ठीक है, एक फोर्स F1 लगा रखा है इस तरफ, देखो एक फोर्स F2 लगा रखा है, एक फोर्स F3 लगा रखा है इस तरफ, और ये कह रहा है कि O के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो O के अबाउट अगर टॉर्क जीरो, तो बताइए F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है बेटा, देखो F1 का मैग्नीट्यूड F1 है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी ना, ये डिस्टेंस मान लीजिए R है, तो F1 जो है वो इस तरफ रोटेट करने में हेल्प कर रहा है ना। अब F2 को देखो, तो F2 का मैग्नीट्यूड F2 है, और इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये वाली R है,
सेम है ना, इक्विलेटरल एंगल का एकदम सेंट्रोइड है ये ओ। तो एफ वन के कंटोर कितना है, एफ वन इंटू आर इस तरफ, और एफ टू भी इसी डायरेक्शन रोटेट कर रहा है देखो, तो इसका टॉर्क कितना आएगा एफ टू इंटू आर, और टोटल टॉर्क अगर जीरो है तो वो एफ थ्री वाला जो टॉर्क है, एफ थ्री देखो यू फोर्स लग रहा है तो इसका टॉर्क इधर आएगा एफ थ्री इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी आर के इक्वल होगा ना, तो एफ थ्री का जो टॉर्क है ना वो इसको बैलेंस करेगा, तो आर 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 कैंसिल आउट हो गया, देन एफ थ्री कितना जाएगा बेटा एफ वन प्लस एफ टू, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेंटर ऑफ द मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा, अगर ग्रेविटी मतलब जी अगर सेम होना हर जगह तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाए करेंगे, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। बी कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, डेफिनेटली अगर कोई बॉडी है ठीक है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और इस बॉडी का टॉर्क भी अगर आपको इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास के अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, इफेक्टिव फोर्स यही लगेगा, और इसी के अबाउट ही अगर मैं टॉर्क फाइंड करूं तो आरसीएम की वैल्यू या आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मैं टॉर्क फाइंड करने वाला हूं, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी एक्सिस के अबाउट या उसी पॉइंट से पास हो रही है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बी तो पक्का पक्का क्लियर है, मतलब कंफर्म है, सही है। सी क्या कह रहा है, एक कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, हमें पता है कि केवल रोटेशन मोशन जो है वो प्रोवाइड करता है, ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट है पूरी तरह से। डी क्या कह रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन ग्रेटर दैट वन मींस दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट ए लार्ज लोड, यस मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि आपने एफर्ट तो कम लगाया लेकिन हैवी जो ऑब्जेक्ट है या हैवी वेट है या जिसका फोर्स ज्यादा है, वेट ज्यादा है जिसका, उसको अपन इजीली उसको पुल कर सकें, खींच सकें, जैसे पुली सिस्टम होता है ना इस टाइप से, ठीक है राइट, और यहां से आपने फोर्स लगा रखा है इस पे, और यहां पर ये पुली लगा रखी दो और यहां पे वेट W लटका रखा आपने, है ना, तो टेंशन यहां पे देखो, यहां पे फोर्स आपने F लगा रखा है जो कि T के बराबर है, तो T T T T T इसमें 2T इसमें 2T आ जाएगा, इसमें 2T आ जाएगा, टोटल कितना लगा 4T लगा ना, तो 4T किसको इक्वल होगा W के, और T किसके इक्वल है F के इक्वल है राइट, T किसके इक्वल है F के इक्वल है बेटा, तो F बराबर आ जाएगा W by 4, तो मतलब आपको फोर्स कम लगाने की जरूरत पड़ी है और अपन वेट को इजिली पुल कर सकते हैं कम फोर्स से बेटा, तो इसका मतलब ये D भी ठीक है B भी ठीक है, तो B एंड D दोनों ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएंगे बेटा। चलिए 52 पे आइए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, टॉर्क नहीं लगना चाहिए बाकी सब तो ठीक है ना, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ए मास m मूव्स इन ए सर्कल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी v नॉट एट ए रेडियस r नॉट, द मास इज अटैच्ड टू स्ट्रिंग विच पासिस थ्रू ए स्मूथ होल इन द प्लेन एज शोन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल बी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पूछी आपसे और मास m दे रखा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v नॉट स्क्वायर, सिंपल पॉइंट मास है बेटा, तो वेलोसिटी v नॉट है यहाँ पर, ठीक है, वेलोसिटी v नॉट आपको दे ही रखी है, मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m v नॉट स्क्वायर आएगी, उसमें तो कोई दोराय नहीं है, हालांकि इसमें कुछ चेंजेस थे, खैर कोई ना। 53 क्वेश्चन नंबर 54 पे चलिए, इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास देन, अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और आपने इस पे फोर्स लगा दिया सेंटर ऑफ मास से दूर, तो सेंटर ऑफ मास से अगर दूर फोर्स लगाओगे तो सीधी सी बात है इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है क्या वो चेंज होगा, इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास देन, अगर आपने फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा रखा है, एक फोर्स आपने सेंटर ऑफ मास से दूर लगा दिया, तो क्या लीनियर एक्सेलरेशन में कोई बदलाव आएगा, चेंज आएगा, नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन में टॉर्क आएगा एफ इंटू आर ना, एफ इंटू आर, क्योंकि आर अगर आपने फोर्स को डिस्प्लेस कर दिया तो आर चेंज हो जाएगा, तो फिर टॉर्क चेंज हो जाएगा, और अगर टॉर्क चेंज हो गया तो टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, आई सी एम इंटू अल्फा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा, और अल्फा की वैल्यू उस केस में चेंज हो जाएगी बेटा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी यही है, द्रव्यमान केंद्र से दूर किसी बिंदु पर कार्य करता है तब, ठीक है, तो रेखीय त्वरण जो है, सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास की बात होती है अगर और कोई पॉइंट नहीं दे रखा हो अपन को, तो उस केस में आंसर आ जाएगा बेटा सेकंड। 55 देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट ना, कब होता है, जब टॉर्क जीरो होता है बेटा,
इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी, ना एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, आई ओमेगा होता है बेटा, रिमेन्स कंजर्व्ड अंटिल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ना नन ऑफ दिस, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन ही बचा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए थिन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर, एन इंसेक्ट इज एट ए पॉइंट नियर द रिम ऑफ द डिस्क, ठीक है, द इंसेक्ट नाउ मूव्स अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क टू रीच द अदर एंड, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द इंसेक्ट द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क इज, देखो बेटा डिस्क के ऊपर इंसेक्ट है, इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, तो इसका मतलब फोर्स ही जब नहीं लग रहा है तो टॉर्क भी जीरो होगा, तो टॉर्क अगर जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सीधी सी बात है, तो डिस्क जो है, ठीक है, इस डिस्क के ऊपर एक इंसेक्ट है, यहाँ पर इस डिस्क का मास कैपिटल मान लीजिए, रेडियस कैपिटल आर मान लीजिए, और इंसेक्ट यहाँ पर है अभी, तो बताइए अगर मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे इसकी एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है और ये डिस्टेंस इसकी स्मॉल आर है सपोज इंसेक्ट की, तो बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस कितना आएगा, आई इंटू ओमेगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू डिस्क का, और इस इंसेक्ट का कितना आएगा, एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा ना, और ये क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब जब ये इंसेक्ट पास आएगा तो आर डिक्रीज होगा ना, और आर अगर डिक्रीज होगा तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा को इंक्रीज होना पड़ेगा, तो ओमेगा इंक्रीज होगा, फिर जब इंसेक्ट इस सेंटर को क्रॉस करके जब दूर जाएगा वापस, तो आर वापस बढ़ने लगेगा, आर वापस बढ़ने लगेगा तो ओमेगा वापस डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, इसका मतलब पहले तो इंक्रीज होगा एंड देन फिर डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, अगर पार्टिकल किसी प्लेन में घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बेटा एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगी, है ना, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ऐसे घूम रहा है वो, तो ये प्लेन हो गया रोटेशन का, इसके परपेंडिकुलर मतलब क्यों, करेक्ट, इस लाइन के अलोंग हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया इसमें। ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी इन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज, काफी सिंपल है, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल रहा, वेलोसिटी इसकी वी है, मास इसका एम है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली एल है, तो पार्टिकल अगर यहां पर है तो बताइए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बेटा एल है, ये है ना एल, जब पार्टिकल यहां जाएगा तो भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल के बराबर ही है, हमेशा एल ही रहेगा, और इसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम एम वी एल ही रहेगा हमेशा, तो वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। 59, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन अ फोर्स फील्ड गिवन बाय एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के बाय आर स्क्वायर आर कैप, द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर वेरीज एज, अगेन एंगुलर मोमेंटम पूछा है, देखो फोर्स फील्ड के बाय आर स्क्वायर आई है और इसके इन्फ्लुएंस में सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा तो ये बताइए सेंट्रीपेटल फोर्स के बाय आर स्क्वायर ही तो है, और सेंट्रीपेटल फोर्स जो आएगा वो एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा, यहाँ से आर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ जो वी है वो किसके प्रोपोर्शनल आया, वन अपॉन रूट आर के ना, वी आ गया, और जो एंगुलर मोमेंटम आएगा पार्टिकल का, पार्टिकल यूँ रोटेट हो रहा है बेटा, आर रेडियस है, वी स्पीड है, मास इसका एम है, तो बताइए एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम आता है एम वी इंटू में आर, एम वी इंटू आर, तो वी की वैल्यू बेटा वन अपॉन रूट आर के प्रोपोर्शनल है, तो एंगुलर मोमेंटम जो आएगा एल प्रोपोर्शनल टू v into r ना, और v वन अपॉन रूट आर है और into में ये r भी है और m तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है, तो l proportional to root r आ गया ना, तो जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा रूट आर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 60, ए फोर्स f वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा i के प्लस 3j के प्लस 6k के बेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है, इसका पोजिशन वैक्टर दे रखा, देखो द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो सीधी सी बात है टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो आपको आर वेक्टर गिवन है बेटा और आपके पास एफ वेक्टर भी गिवन है, तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर अगर आपको दोनों दे रखे हैं यहां पर, ठीक है, तो आर क्रॉस एफ क्या होना चाहिए, आर क्रॉस एफ जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए बेटा, तो आपको टॉर्क जो है इसका जीरो करना है और उसी से ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, तो अब ये जीरो कैसे होगा, देखो अगर r क्रॉस f जीरो है तो सीधा सीधा मीनिंग ये निकलता है कि r वेक्टर f वेक्टर क्या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो अगर ऐसा है ना तो ये जो कोफिशिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं इनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसका देखो अल्फा का ये i कैप का कोफिशिएंट अल्फा है ना और इसमें क्या है टू है, तो अल्फा बाई टू आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे थ्री है ना, यहाँ पे माइनस सिक्स है तो थ्री बाय माइनस सिक्स कर दो, यहाँ पे कितना सिक्स है वहां पर माइनस बारह है, सिक्स बाय माइनस ट्वेल्व कर दो, सिंपल, तो यहाँ से देखो ये अल्फा बाई टू ये कितना आया माइनस का वन बाई टू, ये भी कितना है माइनस का वन बाई टू,
इसका मतलब अल्फा बाई टू माइनस का वन बाई टू के इक्वल है, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन आ गया, सिंपल, काफी इजी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ द मासेस एम एंड टू एम, मास एम और टू एम है, विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए एंड आई बी, आई बी की वैल्यू आई ए से ज्यादा है, ध्यान रखना, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, एल ए एंड एल बी विद देयर एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम रेस्पेक्टिवली देन। अच्छा, एल में रिलेशन पूछा है आपसे, तो एक चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है रोटेशनल, वो बेटा एल स्क्वायर बाय टू आई के इक्वल होती है, होती है ना, और काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि दोनों की सेम है, इसका मतलब एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आई आ गया ना, ठीक है, इसका मतलब आई जिसका ज्यादा होगा उसका एल भी ज्यादा होगा, आई किसका ज्यादा, बी का ज्यादा है ना, तो अगर आई बी ग्रेटर देन आई ए है, इसका मतलब एल बी ग्रेटर देन एल ए होना चाहिए, तो एल बी ग्रेटर देन एल ए, फोर्थ ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलो। थ्री ऑब्जेक्ट्स ए सॉलिड स्फीयर, थिन सर्कुलर डिस्क, सी है ए सर्कुलर रिंग, ईच हैव द सेम मास एंड रेडियस आर, दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड टू अबाउट देयर ओन सिमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है, सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर टू ब्रिंग देम टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन, कितना वर्क करना पड़ेगा जिससे उनको रोक सके अपन, बेटा वर्क डन एक्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो आपको ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी, ओमेगा स्क्वायर तो तीनों के लिए सेम है, अब सारा खेल आई पे डिपेंड कर रहा है, आई जिसका ज्यादा होगा ना उसमें डब्ल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, और आई जिसमें कम होगा उसमें डब्ल्यू वर्क डन कम होगा, तो आई किसका कम होगा बताओ, सबसे ज्यादा सेम मास है सेम रेडियस है, इसका मतलब सबसे ज्यादा सर्कुलर डिस्क का सर्कुलर रिंग का होगा एमआर स्क्वायर, फिर सर्कुलर डिस्क का होता है एमआर स्क्वायर बाई टू, और सबसे कम किसका होगा सॉलिड स्फीयर का, है ना, टू बाई फाइव एमआर स्क्वायर, इसका मतलब आई सबसे ज्यादा सी का है, इसका मतलब डब्ल्यू बी जो होगा वो सी का सबसे ज्यादा होगा, तो डब्ल्यू सी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ए, करेक्ट बेटा, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम था, दे आर ब्रॉट इन टू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, ये देखिए बेटा एक डिस्क है हमारे पास, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ये ओमेगा वन एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है, एक दूसरी डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई है और ये भी ये ओमेगा टू एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है, ठीक है, और अब इन दोनों को अटैच कर दिया, फेस टू फेस अटैच करोगे तो वैसे रख दिया इसके ऊपर, बाहर से कोई एक्सटेंशन नहीं लगाया हमने, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, तो अब जो डिस्क है वो दोनों अटैच हो गए हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू आई हो गया, अब कंबाइंड जो है एंगुलर स्पीड जो वो ओमेगा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए बेटा, तो पहले वाले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा आई ओमेगा वन, दूसरे वाले का आई ओमेगा टू, और अब जो है हमारे पास डिस्क वो टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, आई से आई कट जाएगा ना, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, और यहाँ पे टू था ना तो टू से डिवाइड हो जाएगा, तो एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू आ गया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। चलो अब हमसे लॉस पूछा है बेटा, तो एक चीज देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो कितनी आएगी, हाई हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर पहले वाले डिस्क की, सेकेंड वाले डिस्क की हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर, है ना, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इससे अपन निकाल सकते हैं माइनस हाफ टू आई, टू आई क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू आई हो जाएगा ना, इनटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू का होल स्क्वायर, ये अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल थी, तो इनिशियल में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सबट्रैक्ट कर दूंगा मैं, मैंने सबट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर, तो वो लॉस को ही तो बताएगा, तो यहाँ से बेटा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा आई बाई फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है बस थोड़ा सा, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो आंसर जो है ना इसमें आंसर आ जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टू बॉडीज विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन एंड आई टू सच दैट आई वन इज ग्रेटर देन आई टू हैव इक्वल एंगुलर वेलोसिटी, इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर ई वन एंड ई टू देन, तो काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल्स टू कितना होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये तो काफी सिंपल सा है, ये कह रहा है कि इक्वल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम और I1 की वैल्यू I2 से ज्यादा है, तो I जिसका ज्यादा होगा E भी उसी का ही ज्यादा होगा ना, तो इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 देन E1 इज ग्रेटर देन E2, खत्म, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन ई स्फीयर बाय ई सिलेंडर, ठीक है, तो
तो बेटा सबसे पहले स्फीयर की बात कर लेते हैं। चलो ई स्फीयर कितना आएगा, स्फीयर का कितना होता है, सॉलिड स्फीयर है ना, तो 2/5 m r² ये तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू 1/2 हाफ आई आ गया, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम सिलेंडर की बात करते हैं। चलो सिलेंडर के लिए बात करें तो सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m r² / 2 होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हाफ आई, आई की जगह रखूंगा मैं m r². अच्छा मास क्या है, सेम मास है और रेडियस भी सेम है, तो m r² / 2 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एंगुलर स्पीड इसकी जस्ट डबल है उससे, स्फीयर से, तो मतलब 2 ω² / 2 मतलब 4 ω², ये समझ में आ गया। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा दिया। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है इसने, तो रेशियो अगर आप लोगे तो देखो कितना आएगा, ये हमारे पास देखो 2, 2, 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देखो बाकी इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, m r² कैंसिल आउट हो गया, और बाकी 1/5, 1/5, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/5, थर्ड ऑप्शन आ गया बेटा। सिंपल कैलकुलेशन थी, इसमें कुछ नहीं था ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ए सॉलिड स्फीयर, ए होलो स्फीयर एंड ए रिंग आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शनलेस है, यस फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस मतलब रोल नहीं करेंगे, वो स्लिप होंगे, और जब कोई ऑब्जेक्ट स्लिप होगा तो बेटा उसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ कितना आएगा, जी साइन थीटा आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं तो ये इस पर कोई अपोजिंग फोर्स लग नहीं रहा, केवल जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इज 4, तो सभी का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा, ऑल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू सॉलिड सिलेंडर पी एंड क्यू ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस, ठीक है, रोलिंग डाउन ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम, सिलेंडर पी हैज इट्स मास कंसंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस, ठीक है, व्हाइल क्यू हैज मोस्ट ऑफ इट्स मास कंसंट्रेटेड नियर द एक्सिस। तो पी का जो मास है ना वो सरफेस के पास है, तो मतलब एज ए वो होलो सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है, तो सीधी सी बात है अगर होलो सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा तो P का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो Q के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, क्योंकि Q का जो मास है वो सेंटर पर है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पास पास है, इसका मतलब Q का मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के कंपैरेटिवली बड़ा कम होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बोथ सिलेंडर P एंड Q रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम, सिलेंडर P हैज लार्ज लीनियर एक्सेलरेशन देन Q, ठीक है ये देखते हैं। चलो अब एक चीज देखो बेटा, इंक्लाइन प्लेन से जब आप रिलीज करोगे तो एक्सेलरेशन कितना होता है, रोल कर रहे हैं ना ये जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² / r² होता है, ठीक है ये आप जानते हो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा ना, क्योंकि मास तो दोनों का सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा रेडियस ऑफ जायरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, k उतना ही ज्यादा होगा। तो k देखो ip ज्यादा है ना iq से, इसका मतलब k जो होगा p का वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब ap इज लेस देन aq, तो p का एक्सेलरेशन कम है q के कंपैरेटिवली, इसका मतलब जब Q नीचे आएगा ना तो उसका स्पीड भी ज्यादा होगी, है ना। बाकी देखते हैं, चलो ये क्या कह रहे हैं देखते हैं, बोथ सिलेंडर्स P एंड Q रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ना एक्सेलरेशन जब डिफरेंट हो गया तो सेम टाइम में कैसे पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंचेंगे, फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखो, सिलेंडर P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन देन Q, ना Q का ज्यादा होगा P के कंपैरेटिवली, है ना, ये भी गलत हो गया। बोथ सिलेंडर P एंड Q रीचेस द ग्राउंड विद द सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या ऐसा सही है, क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी, चेक करें। देखो हाँ बेटा, दोनों सिलेंडर को जब आप रिलीज करोगे यहां से, ठीक है, तो हाइट h है, राइट, सिलेंडर यहां नीचे आएगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों होगी, तो mgh ग्रेविटेशनल एनर्जी है प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्लस हाफ mv², ठीक है। तो हमसे यही पूछा है ना कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है क्या, मतलब हाफ mv² को चेक करना है मुझे, है ना, इसी पार्ट को चेक करना है कि हाफ mv² मतलब v की बात कर रहे हैं, m तो सेम है दोनों का, तो अपन को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब v सेम हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ओमेगा जब रोल करेगा तो v बराबर ओमेगा r होगा, ये तो कन्फर्म है, तो ओमेगा की वैल्यू v/r रख सकता हूँ मैं यहाँ पर, i डिफरेंट डिफरेंट है, तो mgh ये 2 इधर ले आओ, इस तरफ कितना आया I, और ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर ना, तो v² / r², ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास mv². तो एक बात बताओ, यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है जो v है ना वो v I पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो पार्ट कॉमन आकर के डिवाइड में आएगा ना, तो v I पर डिपेंड कर रहा है, और I डेफिनेटली दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब v डिफरेंट होगा, और v डिफरेंट होगा इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी दोनों की, है ना,
सेम नहीं होगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया बेटा, सेम नहीं होगा। सिलेंडर क्यू रीचेज द ग्राउंड विद लार्जर एंगुलर स्पीड, तो ये कह रहा है क्यू जो है लार्ज एंगुलर स्पीड से रीच करेगा। तो एक बात बताओ आप, वी जिसका ज्यादा होगा उसका एंगुलर स्पीड भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि वी बराबर ओमेगा होगा, और यहाँ से v अगर आप कॉमन लोगे तो ये i और m जो डिवाइड में आएगा ना, मतलब इसकी डिवाइड में i वाला पार्ट भी आएगा और m वाला पार्ट भी आएगा। तो i किसका ज्यादा है, i p का ज्यादा है ना, तो i अगर p का लार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है i अगर p का लार्ज है तो इसका मतलब v जो होगा p का सबसे कम होगा, vp कम होगा, vq से बोलो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा v, तो v अगर कम होगा तो ओमेगा भी कम होगा ना, तो ओमेगा किसका ज्यादा होगा, q का ज्यादा होगा, समझ आई बात। तो सिलेंडर क्यू रीचेस द ग्राउंड विद लार्जर एंगुलर स्पीड डेफिनेटली, तो ऑप्शन फोर्थ हो गया बेटा सही। क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए, ए डिस्क एंड ए स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस बट डिफरेंट मास, ठीक है, रोल्स ऑफ एन टू इंक्लाइंड प्लेसेस ऑफ द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है, विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, ठीक है, सेम मास है, सेम रेडियस है, डिफरेंट मास भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें मालूम है जैसे कि, हाँ बेटा जी, तो एक्सेलेरेशन है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है, और जो एक तो डिस्क है हमारे पास और एक स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा होगा तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी ना, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है डिस्क का वो पक्का पक्का स्फीयर के एक्सेलरेशन से क्या होगा, कम होगा, स्फीयर का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और स्फीयर का अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो वो जल्दी आएगा भाई नीचे, तो विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, चीज क्लियर होगी ना आपको, के बेटा उसका क्या स्फीयर का कम है, तो उस केस में ये वाली क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी, तो स्फीयर पहले पहुंचेगा। 69 पे आइए, क्या कह रहा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप ए कर्व्ड सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी, इट रीचेस अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v² / 4g, राइट, विद रेस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजिशन द ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन आप k कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, और बेटा यहाँ पर इसके पास जो एनर्जी होगी इस ऑब्जेक्ट के पास, वो एक तो आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 i, i को लिख देता हूँ मैं mk² k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, और 1/2 i आ गया, i इंटू में ओमेगा स्क्वायर, रोल कर रहा है बेटा, तो ओमेगा को लिख सकता हूँ v² / r², ठीक है, v² / r² इधर एडजस्ट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू, जब ये ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो रेस्ट में आएगा ये, तो इसके पास एनर्जी कौन सी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और h आपको दे रखा है बेटा 3v² / 2g, करेक्ट, तो यहाँ से देखो जो कट रहा है पार्ट उसको काट दीजिए आप, देखो जी से जी कट गया, m/2, 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 ठीक है, और ये तो 2 तो हट ही गया था यहाँ से, 3v² है ना इधर, v² उधर की तरफ, 3v² - v² इस तरफ कितना आएगा, 2v² बचेगा, ठीक है, और उस तरफ कितना आया, क्या आया देखो, v² भी, अच्छा v² भी कट कर दो ना, v² भी कट कर दो सारे, तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा केवल, और इस तरफ कितना आया, k² / r², राइट, ये वैल्यू आई हमारे पास, तो फाइनली के इज इक्वल टू कितना आ गया, के इज इक्वल टू आ चुका है हमारे पास, √2r, करेक्ट, यहां पर कुछ मिस्टेक होगी क्या, एक बार देखते हैं, चलो वापस, 1/2 mv² प्लस 1/2 i ω² i आ गया हमारे पास mk², ठीक है, और बाय r², राइट, v² ओमेगा की वैल्यू v² / r² आ गई, ठीक है, उसके बाद में mgh और h की वैल्यू कितनी है, 3v² / 4g, ओहो यहाँ पे 2g नहीं था, अभी 4g था, इसको सही कर देते हैं, तो mg 3v² / 4g, ठीक है, अब इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, चलो हाँ, तो g से g कैंसिल आउट हो गया, एम बी कट गया था, और बाय टू वहाँ से कट कर दिए थे, ये 2 बच गया, यहाँ पर v² भी कट कर दिया, यहाँ पे 3/2 बचेगा, ठीक है, तो वहाँ पे 1 था ना, वो 1 था, 1 3/2 में सबट्रैक्ट करोगे तो 1/2 बचेगा, तो k² / r² जो है ना वो 1/2 के इक्वल आ गया, और k बराबर आ जाएगा r/√2, r/√2 किसके लिए होता है, के डिस्क के लिए होता है ना, आंसर कौन सा आ जाएगा, 4th।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क दे रखी है, आप क्वेश्चन को पढ़ लो। हमसे पूछा है कि पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी है, पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी है और सी की कितनी है। अगर रोल कर रहा है तो सी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। जीरो आ रहा है, देखो यहाँ पे भी जीरो आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर स्पीड होती है 2v और यहाँ पे स्पीड कितनी होती है, रूट 2v। वी इस तरफ और वी इस तरफ, तो रूट 2v, तो 2v रूट 2v एंड जीरो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 71, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस r/6 हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया i अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू ए सॉलिड स्फीयर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर एज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, ठीक है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेटा, वो तो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू डिस्क का है ना, सिलेंडर की तरह बिहेव कर रही है, तो हाफ एम आर स्क्वायर तो होगा सिलेंडर का, तो हाफ एम आर कितना है, आर ही है, तो आर स्क्वायर। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। अब इसको है ना हमने मेल्ट करके जो भी स्फीयर बना दिया बाद में, तो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैंने आई डैश लिख दिया, और स्फीयर का मोमेंट सॉलिड स्फीयर है तो 2/5, ठीक है, 2/5 एम तो वही रहेगा ना, लेकिन रेडियस डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि उसी डिस्क से ही तो आपने स्फीयर बनाया, तो इसका मतलब डेंसिटी तो सेम है, सेम मटेरियल है, तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो बेटा जो डिस्क थी ना, डिस्क एज ए सिलेंडर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं अपन, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, आर ये था और ये आर बाई सिक्स था, ये आर बाई सिक्स है, राइट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू में हाइट ना, मतलब आर बाई सिक्स, ये वॉल्यूम आ गया, और ये स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर कंसिडर कर ली, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये 3, 2 हो गया, ये 8 आ गया, तो मतलब आर क्यूब बाई 8 आ गया, देखो तो स्मॉल आर जो है वो पक्का पक्का आर बाई 2 आ जाएगा फिर तो, अरे 4 × 2 = 8 हो जाएगा ना, तो आर बाई 2 आ गया स्मॉल आर। इसका मतलब 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, सही लिखा है मैंने, आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि आर की वैल्यू आर बाई 2 आ गई, तो ये तो इससे कट गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल है, एक्जैक्टली आई के इक्वल है, देन आई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, आई बाई 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग एट अ स्पीड वी कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास एम व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट, ओके, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन and has a speed of v by 3, the second block speed after the collision is, beta elastic collision mein kinetic energy kya rehti hai, same rehti hai na, initial barabar final, to ye to simple kinetic energy bhi based question hai beta, to pehle wala jo block hai uski speed kitni hai, v hai na, to half mv square, dusre wala block initially rest mein tha to uski kinetic energy 0, baad mein kya keh raha hai ye, after collision the first block moves at an angle theta to its initial direction and has a speed v by 3, to first block ka mass wahi m hai और स्पीड है v by 3, तो v square by 9 आ गया, और सेकंड ब्लॉक का मास भी सेम है half m, उसकी स्पीड पूछिए v dash square, ये लो, तो half m half m half m कैंसिल आउट हो गया, तो v square minus v square by 9 करोगे तो 8 v square by 9 आ गया बराबर v dash square, तो v dash की वैल्यू फिर कितनी आई, 8 का रूट कितना आ जाएगा, 2√2 v by 3, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन x डायरेक्शन विद स्पीड 2v is hit by another particle of mass 2m moving in the y direction with speed v, okay, to iska matlab momentum conserve to rahega, if the collision is perfectly inelastic, iska matlab dono stick kar jayenge, to pehle wale particle ka momentum kitna aayega beta, dekho mass m hai to m into me 2v na, lekin direction x axis ke along hai to uska momentum aa gaya i cap mein, dusra particle jo hai uska momentum uska mass hai 2m lekin uski speed hai v, theek hai, lekin direction j cap ke along aa gaya बराबर, जब स्टिक करके दोनों का मास, टोटल मास कितना हो गया 3m v वेक्टर या v डैश वेक्टर है ना, यहां से देखो m m m कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो यहां से देखो 2v तो बाहर आ गया और इधर आ जाएगा i कैप प्लस j कैप और बाय 3 आ गया, तो ये स्टिक करने के बाद फाइनल वेलोसिटी है दोनों की, ठीक है। तो इसकी इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2v बाय 3 और i कैप प्लस j कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मॉडुलस √2 आएगा ना, तो ये 2√2 v by 3 आ गया, मतलब ये स्पीड आ गई आफ्टर कोलिजन। तो ये पूछा है कि लॉस कितना होगा, लॉस, अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 2v का स्क्वायर, मतलब 4v स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई पहले वाले पार्टिकल की, दूसरे वाले पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m * v स्क्वायर ना, तो ये 2 4 + 2 6 6 / 2 मतलब 3mv स्क्वायर आ गया,
मतलब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ, अब दोनों स्टिक कर गए तो मास कितना आ गया 3m ना, 2m एंड m 3m हो गया, और स्पीड कितनी है, अब 2√2v/3 है, तो इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो हाफ m इंटू में हाफ m मतलब 3m इंटू में v स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो कितना आएगा 8v² / 9 ना, तो इससे 3 से कट कर दो ये 3 आ गया, इसको 2 से कट कर दो ये 4 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आई 4mv² / 9 आफ्टर mv² / 3, तो आफ्टर कोलिजन बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। तो लॉस की बात करें तो लॉस तो अपन जानते हैं कि इनिशियल में से फाइनल को सबट्रैक्ट करना है, तो इनिशियल में से फाइनल को सबट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, देखो 3mv² - 4mv² / 3 है ना, तो ये 3 3 9 - 4 मतलब 5mv² / 3 आ गया, तो ये लॉस आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में, कितना लॉस हुआ ठीक है। और परसेंटेज लॉस पूछा है शायद, राइट, परसेंटेज लॉस पूछा है, परसेंटेज लॉस के लिए अपन क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को भी डिवाइड कर देंगे, बोलो परसेंटेज के लिए क्या करोगे, चेंज अपॉन में इनिशियल इनटू में 100, mv² से mv² कट गया तो ये 5/9 आ गया, मतलब 500/9 आया, 500/9 एप्रोक्सीमेटली कितना होता है देखते हैं, चलो 500/9 तो 9 5 फिर 5, हाँ 55 से प्लस ही आएगा, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें 55 से प्लस 56 है ना, चलो थर्ड ऑप्शन आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मास ऑफ 100 ग्राम स्ट्राइक्स द वॉल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल शोन इन द फिगर, इट रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड, ठीक है सेम स्पीड से रीबाउंड कर रहा है, इफ द कांटेक्ट टाइम इज दिस व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द मास बाय द वॉल, इज वॉल इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो इधर ही लगाएगी ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लिखा तो टुवर्ड्स लेफ्ट ही लगेगा, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा। और दूसरी चीज हमें पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है फिर बाद में यूं जाएगा, सेम स्पीड से जा रहा है, इसकी स्पीड वेलोसिटी इस तरफ है ना, v का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा v cos 60, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि अभी भी देखो वेलोसिटी इस तरफ है, तो एक तो कंपोनेंट इस तरफ आएगा एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो ये v cos 60 आएगा, ये भी v cos 60 है, तो v cos 60 मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आया मोमेंटम में, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ना वॉल के जस्ट परपेंडिकुलर v sin 60, तो पहले v sin 60 इस तरफ था और टकरा करके फिर v sin 60 इस तरफ आ गया, चेंज इन मोमेंटम कितना आया 2mv sin 60, क्यों लिया मैंने 2mv sin 60, क्योंकि पहले मोमेंटम इस तरफ था mv sin 60, फिर बाद में इस तरफ हो गया, डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2mv sin 60 चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज आ गया, और अपॉन में टाइम इंटरवल से अगर मैं डिवाइड कर दूं कॉन्टैक्ट टाइम को तो अपने पास फोर्स आ जाएगा बेटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, वैल्यू अपन को देखो 100 ग्राम दे रखी है m की वैल्यू, तो रख देते चलो यहीं 2 × 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, और वेलोसिटी कितनी है बेटा 5 sin 60, आप जानते हो √3/2 होता है, √3/2 रख दो, अपॉन डेल्टा टी कितना बेटा 2 × 10⁻³, तो ये आ गया हमारे पास, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, उसके बाद 10⁻³ को ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 500 आ जाएगा, और ये 2 से कट करोगे तो 250 आ गया, तो 250 √3 टूवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ठीक है। चलिए 75 पे चलें, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 ऑन कोलिजन, वन ऑफ द पार्टिकल्स गेट एक्साइटेड टू द हायर लेवल, मतलब कोलिजन जब होती है ना तो उनमें कोई पार्टिकल है जो कि एक्साइट हो जाता है, जैसे एटम्स होते हैं ना, एटम कोलिजन करते हैं बेटा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, तो एनर्जी को ऑब्जर्व करके ही तो हाई एनर्जी स्टेट में गया, तो वैसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पर, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी एप्सिलॉन, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इफ फाइनल वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स बी v1 एंड v2 देन वी मस्ट हैव, तो सीधी सी बात है एनर्जी तो कंजर्व रहती है ठीक है, हाँ जैसे इनइलास्टिक कोलिजन होती है तो एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, क्योंकि एनर्जी कुछ पार्ट दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वही यहाँ पे हो रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1² + ½m2 u2², वो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 v1² + ½m2 v2², वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, अब कुछ पार्ट जो था इनिशियल का वो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, किस में कन्वर्ट हो गया, एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब हाफ m1 u1² + ½m2 u2² में ये तो लेफ्ट साइड में रखो, राइट हैंड साइड में ये वाला पार्ट आ गया, और प्लस में ई कर दोगे यहाँ पर तो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये एप्सिलॉन जो इस तरफ है तो माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन इस वे से डील कर सकते हैं बेटा, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76, टू मासेस ऑफ 0.25 kg ईच मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 3 m/s एंड 1 m/s कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर ठीक है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, इन इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, देखो दोनों का मास आपको गिवन है और एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, मास मान लीजिए m है, पहले वाले की वेलोसिटी 3 m/s, उसको मोमेंटम कितना आएगा m × 3, अरे m × v तो m × 3, दूसरे वाला पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो माइनस का m × 1,
अपोजिट है, आ गया, दोनों का मोमेंटम लिख दिया बराबर, दोनों स्टिक कर गए, स्टिक करने के बाद टोटल मास कितना हो जाएगा 2m, अब वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई, तो 3m माइनस m मतलब 2m इक्वल टू 2mv, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड, खत्म। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए बॉडी ऑफ मास m1 कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर मास m2 एट रेस्ट, देयर इज मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन, बेटा एक ऑब्जेक्ट है और वो दूसरे ऑब्जेक्ट से इलास्टिक कोलिजन कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो आपको मालूम है ना कि अगर दोनों का मास सेम होगा तो जो वेलोसिटी में जो इंटरचेंज है वो मैक्सिमम होता है। आप ये कह सकते हो अगर इसके पास स्पीड वी है ना, तो एग्जैक्टली आफ्टर कोलिजन अगर मास दोनों का सेम है तो ये वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, तो इसके पास तो वी आ जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली वैनिश हो गई, समझ रहे हो, वो सारी सारी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाएगी बेटा। इस वजह से आप इसको डील कर सकते हो, प्रॉपर तरीका भी है, पूरी इक्वेशन बना के भी सोल्व किया जा सकता है, बट ये ध्यान रखें आप। 78 The bob A of a simple pendulum is released when the string makes an angle 45 degree with the vertical. It hits another bob B of the same material and same mass kept at rest on the table. If the collision is elastic, yes, mass same है, इसका mass same है, ये घूमता हुआ यहाँ तक आएगा, ये कुछ ना कुछ speed gain करेगा, mass same, elastic collision, velocity interchange, इसका मतलब इसकी वाली velocity zero थी, इसकी velocity v थी, तो जैसे ही collision होगी तो इसकी तो zero हो जाएगी और इसके पास v आ जाएगी, ये यूँ जाएगा, फिर वापस आएगा, वापस भिड़ेगा, वापस इलास्टिक कोलिजन है तो इसको इसकी वापस जीरो हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, इस तरीके से लगातार प्रोसेस चलती रहेगी। तो अभी तो अपन से यही पूछा है कि इससे कोलिजन करेगा तो बताओ क्या होगा, तो बोथ ए एंड बी राइज टू द सेम हाइट ना, बोथ ए एंड बी कम टू रेस्ट ना, बोथ ए एंड बी मूव विद द सेम वेलोसिटी ऑफ ए ना, ए कम्स टू रेस्ट एंड बी मूव्स द वेलोसिटी विद द सेम वेलोसिटी ऑफ ए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 79 ए बॉय फॉल्स ऑन ए सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस 0.6 फ्रॉम ए हाइट 1 मीटर, then the body rebounds to height of, अगर आप h height से किसी body को release करते हो तो जो ground पे strike करता है उसकी speed मान लीजिए u है, ठीक है, तो u और h में relation आप जानते हो h equals to u square by 2g होता है, correct, तो u speed से अगर body strike करती है तो वापस किस speed से jump लेगी, अगर coefficient of restitution e है तो आप जानते हैं e times u speed से वो jump लेता है object, है ना, अगर कोई object u speed से बेटा इस floor से strike करेगा तो वापस किस स्पीड से वो राइज करेगा, e टाइम्स ऑफ u से, तो अब जो वो हाइट राइज करेगा वो मान लीजिए h डैश है, तो h डैश किसके इक्वल होगा, e इनटू u, अब स्पीड e u होगी ना, तो e इनटू u का स्क्वायर बाय 2g, और यहां देखो ये e स्क्वायर बाहर आ गया और u स्क्वायर बाय 2g किसके इक्वल है बेटा, h के इक्वल है, देन जो हाइट है फर्स्ट रिबाउंड के बाद में वो आ जाएगा e स्क्वायर बाय e स्क्वायर इनटू h, और e की वैल्यू बेटा 0.6 है तो 0.6 का स्क्वायर कितना आएगा 0.36, और h की वैल्यू कितनी है 1, आंसर इज 0.36 मीटर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, पता है अपन को, इनिशियल और फाइनल दोनों अनइक्वल होती है, नाइदर मोमेंटम नॉर मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है ना, तो ये तो ठीक है, बोथ मोमेंटम नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 81 ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम moves with velocity v and collides elastically with another body of mass small m. M is very very greater than small m at rest. Then the velocity of the body of mass small m is. तो ये कह रहा है कि capital M mass जो है वो बहुत ज़्यादा है small m के comparatively और ये v speed से आ रहा है और एक छोटा सा object है ये rest में पड़ा था. After collision क्या होगा? देखो after collision जो capital M mass है ना उसकी velocity में कोई change नहीं आएगा. जैसे truck है move कर रहा है और किसी small object से वो भिड़ जाता है, ट्रक की मोशन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी वही रहेगी, लेकिन ये जो स्मॉल एम मास का जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी मान लीजिए वी डैश है, कॉलिजन कैसी इलास्टिक है, तो अपन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा वी डैश माइनस वी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो वी माइनस जीरो, करेक्ट, तो यहाँ से वी डैश देखो वी किधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा ना, तो वी डैश इक्वल टू कितना आया 2v, तो आफ्टर कॉलिजन जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है बेटा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2v हो जाएगी। 82 पे चलते हैं, चलो ए बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास m2, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज आर 2 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ m1, द रेशियो ऑफ m1 एंड m2 इज, काफी सिंपल है, m1 का मोमेंटम कितना आएगा बेटा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, तो m1 का मोमेंटम कितना आएगा m1 * 3 आ गया, अनदर बॉडी एट रेस्ट मतलब दूसरे वाले का मोमेंटम कितना आएगा 0, आफ्टर कोलिजन m1 का मोमेंटम कितना आएगा m1 into 2, 2 स्पीड दे रखी ना 2 मीटर पर सेकंड,
और दूसरे वाले की स्पीड कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरे वाले का मोमेंटम कितना आ गया, 5 into m2, ये लो। तो यहाँ से बैठे देखो, 3m1 - 2m1 कितना आ गया, m1 आ गया ना, इधर m1 आ जाएगा और इधर 5m2 है, दैट मीन्स m1 by m2 = 5 आ जाएगा, है ना। तो m1 by m2 = 5 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 83 पे, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड -0.5 मीटर पर सेकेंड आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब दोनों का मास सेम है, कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन, द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन रेस्पेक्टिवली विल बी। तो मतलब पहले वाले का मोमेंटम देखो, जैसे मास एम कंसिडर कर लें तो 0.5 into m ना, दूसरे वाले का मोमेंटम माइनस का 0.3 into m, मास तो सेम है, और आफ्टर कोलिजन अगर उनकी वेलोसिटी जो है वो v1 एंड v2 है, तो क्या लिखोगे, m into v1, दूसरे वाले का m into v2। तो ये तो सिंपल मैंने इक्वेशन लिखी है मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, m यहाँ से हटा दो तो ये कितना आ गया बेटा, 0.2 = v1 + v2, ठीक है, 0.2 = v1 + v2। वैसे आप ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, v1 और v2 का सम करके देखो, जिसमें 0.2 आ रहा वही आंसर हो जाएगा। क्या फर्स्ट ऑप्शन है ना 0.8 आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में माइनस का 0.2 आएगा तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन में 0.2 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, और फोर्थ में भी मैच कर जाएगा, इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ में थोड़ा गड़बड़ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो रिलेशन हमने ये लिख लिया, और दूसरा हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन अगर है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा, v2 - v1 आएगा ना, एंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगा बेटा, दोनों बॉडी जो है वो यू मूव कर रही है अपोजिट, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या जाएगा, 0.8 आएगा ना, 0.5 माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा 0.8, तो मतलब v2 - v1 0.8 भी होना चाहिए। तो आप v2 - v1 करके देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो v2 - v1 अगर आप करेंगे तो देखो v2 इज, अगर ये v2 है और इसमें से v1 अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.5, तो ये माइनस का 0.8 आ रहा है, और अगर मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 0.3, तो ये 0.8 आ गया, तो ऑप्शन फाइनली कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो इससे इस तरीके से कीजिए आप तो इजीली कर सकते हो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 84 पे आ जाइए, टू आइडेंटिकल मास एम मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 कोलाइड्स परफेक्टली इन इलास्टिकली द लॉस इन द एनर्जीज। ये देखो ये क्वेश्चन सेम आया है वैसा का वैसा, जैसे डिस्क वाला क्वेश्चन किया था ना, इसमें लॉस आया था i/4 u1 - u2 2, वहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया था मतलब आई था, यहाँ पर सिंपल इनर्शिया मतलब मास है, वही सेम इन इलास्टिक था, वहाँ पर भी रखा आपने डिस्क को एक के ऊपर एक, थोड़ी देर बाद में वो दोनों साथ में कंबाइंड मोशन करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लगा सकते हो, और यहाँ से अगर आप चेक करो बेटा तो आंसर आ जाएगा m/4 u1 - u2 2, ठीक है। और बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, 1/2 mu1 square, दूसरे वाले की 1/2 mu2 square, ठीक है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, क्योंकि दोनों ज्वाइन हो जाएंगे कंबाइंड मूव करेंगे, तो 1/2 m into v square, और v की वैल्यू निकालनी है, तो इन इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लगाओ, m into u1 + m into u2 = 2 m into v, वहां से v की वैल्यू आ जाएगी, वो रख दो सॉल्व कर लो बेटा, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कौन सी इन इलास्टिक कोलिजन नहीं है परफेक्टली, स्ट्राइकिंग ऑफ टू ग्लास बॉल्स, परफेक्टली तो मतलब स्टिक कर जाता है ना, ए बुलेट स्ट्राइकिंग ए बैग ऑफ सैंड, सैंड में वो अगर पेनिट्रेट करेगी फिर बाद में वो हो सकता है बैग को साथ लेके चली जाए, एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय प्रोटॉन, के कैप्चर होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ते हो, के कैप्चर में इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन होता है ना वो खा जाता है उसको, कंप्लीटली उसको कैप्चर कर लेता बेटा, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया एक तरीके से। ए मैन जंपिंग ऑन टू ए मूविंग कार्ट, यस मैन जैसे ही मूविंग कार्ट में जंप करेगा फिर दोनों के दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल नहीं है परफेक्टली इलास्टिक का, फर्स्ट हो जाएगा। 86 कह रहा है द क्वांटिटी दैट इज नॉट कंजर्व्ड इन एन इन इलास्टिक कोलिजन इज, इन इलास्टिक कोलिजन में कौन सी क्वांटिटी कंजर्व नहीं रहती है बताइए, काइनेटिक एनर्जी ना, मोमेंटम रहता है, यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखा है, टोटल एनर्जी मतलब जो एनर्जी लॉस हुआ है ना, टोटल एनर्जी में वो भी एनर्जी आती है, हीट एनर्जी हो सकती है वो, ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी, वो तो उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, मोमेंटम भी कंजर्व, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी, इनिशियल और फाइनल में डिफरेंट डिफरेंट होगी। 87 पे आइए, ये कह रहा है ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन विद वेलोसिटी वी मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मास, वन ऑफ द पीसेस रीट्रेसेस इट्स पाथ टू द कैनन एंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड ऑफ द
अदर पीस इमीजिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन इज। तो इस क्वेश्चन को देखो एक बार जरा आप, ये कह रहा है कि थीटा एंगल से आपने, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से आपने वी वेलोसिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, और मैक्सिमम हाइट पे जब आएगा ये तो इसके पास स्पीड कितनी होगी। मैं मास इसका 2m कंसीडर कर लेता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम हाइट है उसके स्पीड पता ही आपको वी कॉस थीटा रहती है, तो इसका इस समय अभी जब ये एक्सप्लोड नहीं हुआ है तो इस समय इसका मोमेंटम कितना आएगा, 2m वी कॉस थीटा। फिर क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ तो ये दो पार्ट में टूट गया इक्वल इक्वल में, है ना। तो एक पार्ट जो है इसका मास m है और ये रिट्रेस करता हुआ आया वापस, इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी पक्का पक्का v cos थीटा के इक्वल होगी, तभी तो पाथ को रिट्रेस करेगा, वहीं पहुंचेगा उसी पोजीशन पे। इसका मतलब पहले वाले पार्ट की जो वेलोसिटी v cos थीटा, तो इसका मोमेंटम जो आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। मोमेंटम कितना आएगा, माइनस का m v cos थीटा, समझ गए, इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम। और दूसरा जो पार्टिकल है ना उसका मोमेंटम, उसकी स्पीड पता करनी है अपन को, मास तो m है उसका भी और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v डैश है, तो उसको मैं लिख दूंगा प्लस m into v डैश, समझ गए, वो इस तरफ है m into v डैश। अब इसको सॉल्व करना है तो mv cos थीटा नेगेटिव का इधर जाएगा तो 3mv cos थीटा हो जाएगा ना, m से m कट जाएगा तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3v cos थीटा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 88 पे। कंसीडर इलास्टिक कोलिजन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एट रेस्ट। After the collision, the projectile and the struck particle move in directions making angle theta 1 and theta 2 respectively with the initial direction of motion. The sum of the angles theta 1 plus theta 2 is. Answer is 90 degree. बहुत ही famous article है ये, ठीक है, NCERT में भी properly mention है, तो ये चीज ध्यान रखें आप। देखो जैसे m mass का कोई particle है, एक m mass का object यहाँ पे रखा हुआ है आपने, ठीक है, और ये u speed से इसे strike करेगा, और मान लीजिए कि collision कैसी है, elastic है और oblique collision है। After collision क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जैसे इस तरफ चला गया किसी स्पीड v1 से, और ये डायरेक्शन थी जिस डायरेक्शन में पहले वाला पार्टिकल आ रहा था, तो ये वाला मान लीजिए थीटा 1 एंगल से चला गया, तो दूसरा जो पहले वाला जो फर्स्ट पार्टिकल है ना वो पार्टिकल इस तरफ चला गया थीटा 2 एंगल से किसी स्पीड v2 से, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल होते हैं ना, ये इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है बेटा। ये कब होता है, पहली कंडीशन दोनों मास सेम होने चाहिए, एक पार्टिकल रेस्ट में होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कोलिजन कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए। तो उस केस में ये एंगल कितना आता है बेटा, 90 आता है, राइट, ये ध्यान रखें आप। 89 क्या कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद एन अननोन वेलोसिटी v1 i कैप अंडरगोज ए कोलिनियर कोलिजन विद ए बॉडी ऑफ मास m2 विद मूविंग विद वेलोसिटी v2 i कैप। अच्छा, तो m1 जो v1 i कैप से मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम कितना आएगा, m1 into v1 i कैप को मैंने प्लस मान लिया, एंड मास m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 i कैप, तो मास m2 का जो मोमेंटम आएगा वो m2 into v2 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन कह रहा है कि इनकी वेलोसिटी v3 i कैप एंड v4 i कैप हो जाता है, मतलब m1 v3 और m2 v4, ठीक है, ये चीजें हम अपन को दे रखी हैं। उसके अलावा मास भी दे रखा है, देखो कह रहा है कि m2 जो है ना वो 0.5 m1 है, इसका मतलब m1 पक्का 2m2 के बराबर हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ m2 हो जाएगा, तो m1 को 2m2 लिख दो यहां पर, ये 2m2, यहाँ पर भी ये 2m2 आ गया, ठीक है, देखो 2m2 आ गया, इसका मतलब m2 उड़ा दो, तो हाँ 2v1, ये v2, ये v3, ये v4। उसके अलावा एक चीज़ और दे रखी है, v3 बराबर 0.5 v1 है ना, और अपन से पूछा क्या है, v1 की वैल्यू पूछी है, तो v3 कहाँ पे है, v3 ये रहा, ये v3 की वैल्यू 0.5 v1 यहाँ पे रखोगे 0.5 into 2 मतलब 1 आ जाएगा ना, तो इसकी जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 आ जाएगी, है ना, ये v1 बच गया, इधर की तरफ 2v1 है, तो v1 इधर की तरफ उधर जाएगा, तो इधर की तरफ v1 ही बचेगा ना फिर फाइनली, तो उस तरफ v1 आ गया, और इस तरफ क्या है, v4 है, उस तरफ क्या है, v2 है, तो v4 माइनस v2 आया नहीं आया, तो आंसर इज v4 माइनस v2, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा, 90। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल m एंड रेडियस कैपिटल r इज i, कीपिंग m इज कांस्टेंट, इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन i एंड r देन इट्स फॉर्म वुड बी। तो आई और आर के बीच में ग्राफ पूछा बेटा, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, आई इक्वल टू 2/5 mr² होता है, कह रहा है m तो कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब आई और आर के बीच में जो रिलेशन आया, आई प्रोपोर्शनल टू r² है ना, इससे वाई प्रोपोर्शनल टू x² होता है, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो, ये भी पैराबोला की इक्वेशन बनी एक तरीके से, तो आई प्रोपोर्शनल टू r² वाई प्रोपोर्शनल टू x² का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना, ठीक है, तो इसमें भी सेम आई प्रोपोर्शनल टू r² ग्राफ भी ऐसा बनेगा, राइट, फोर्थ ऑप्शन। तो ये था बेटा आपका पेपर, 90 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है,
और आई होप आपने भी अच्छे से पेपर दिया होगा, राइट। बाकी बेटा इन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके रह गए हैं वो अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक पेपर था, और नीट लेवल के हिसाब से बात करें तो जितना डिफ़िकल्टी लेवल आपका आना चाहिए, ठीक है, उस डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही ये पेपर आपको दिया गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।